हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप? चलो दोस्त, दो दिन पहले मैंने जैसे आपको कहा था कि अमेंडमेंट्स आपको इस वीक में मिलना शुरू हो जाएगा, तो बेटा आज मैं अपना पहला लेक्चर अमेंडमेंट का अपलोड कर रहा हूँ, तो वो आप पहला लेक्चर आज अमेंडमेंट का देख सकते हो। सो दोस्तों, अब अच्छे से हमको पढ़ाई करनी है, इस अटेम्प्ट में क्लियर होना है, इसी हिसाब से हमें पूरा ध्यान देना है। तो आप अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिएगा। तो मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं बेटा कि अमेंडमेंट्स तो मेरी ग्रेजुअली आती जाएगी, पढ़ाई मत रोकना। क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट्स ज़्यादा नहीं है, जो भी है वो एडिशनल क्लैरिफिकेशंस है और नोटिफिकेशंस है। एग्जिस्टिंग लॉ में से कुछ भी ओमिट नहीं हुआ है, कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, इसलिए अपनी पढ़ाई मत रोकना, वो कंटिन्यूटी में रहने देना। अमेंडमेंट्स मेरे विद इन अ वीक सभी अमेंडमेंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, अब पहला लेक्चर का जो अमेंडमेंट्स है, इसमें जितने भी टॉपिक्स कवर्ड है, इसकी नोट्स जो है बेटा आपको कैसे मिलेगी, तो इसकी नोट्स थोड़ा चार्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ। www.vsmartacademy.com/vishalsir, उसमें जब जाओगे तो अमेंडमेंट टैब पे क्लिक कर देना। अमेंडमेंट टैब पे क्लिक करने के बाद उसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, रेगुलर कोर्स एंड फास्ट ट्रैक कोर्स, लेकिन आपको फास्ट ट्रैक में नहीं जाना है। फिर से कह देता हूँ, आपको फास्ट ट्रैक में नहीं जाना है। आपने पुराना रेगुलर कोर्स किया होगा, आपने मेरा यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्स किया होगा, बूस्टर कोर्स किया होगा, जो भी कोर्स किया होगा, और आप लास्ट अटेम्प्ट में अपीयर्ड होगे, तो आपको जो जाना है वो रेगुलर कोर्स के टैब को क्लिक करना है। रेगुलर कोर्स के टैब को क्लिक करने के बाद उसमें आपको फिर से दो ऑप्शन मिलेंगे, आपने क्लास 5 अक्टूबर के पहले किया हो और आपने क्लास 5 अक्टूबर के बाद किया हो। अगर आपने क्लास 5 अक्टूबर के पहले, डेफिनेटली आप अटेम्प्ट अपीयर्ड कर चुके हो, तो आपको 5 अक्टूबर के पहले अगर आपने क्लास किया हो, तो वो सिचुएशन में कोई भी मोड में क्लास किया हो, रेगुलर कोर्स में, फास्ट ट्रैक कोर्स में या बूस्टर कोर्स में, तो वहाँ अमेंडमेंट्स टॉपिक वाइज आपको दी जाएगी। तो वो अमेंडमेंट पे क्लिक करना है और वहाँ से आपको अमेंडमेंट नोट्स डाउनलोड करना है। आई रिपीट, वहाँ से आपको अमेंडमेंट नोट्स डाउनलोड करना है। तो आप ये बात समझ चुके होंगे, तो इस तरह से आपको नोट्स डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके ये लेक्चर्स आप सुन सकते हो, ठीक है। अमेंडमेंट्स का 2-3 दिन में और कुछ लेक्चर्स अपलोड हो गए और इस वीक में लगभग आपको सभी लेक्चर्स अमेंडमेंट के मिल जाएंगे। पर अमेंडमेंट के वजह से अपनी पढ़ाई नहीं रोकना है, आपको अमेंडमेंट कंप्लीट करना है। बाकी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस, डाउट्स वगैरह जो भी हो गए अबाउट क्वेश्चन, सर हमने नया क्वेश्चन बाय करना है क्या, ये करना है क्या, वो करना है क्या, इसके लिए मेरा दूसरा वीडियो आएगा जिसमें पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि आपको अभी नए क्वेश्चन, नई बुक, नए बूस्टर, बहुत सारे सवाल जो है उसमें आपके सब सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटा अभी सिर्फ ये लेक्चर जो है अमेंडमेंट्स पे फोकस है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि अमेंडमेंट ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप पुराना बुक कंटिन्यू कर सकते हो और ये अमेंडमेंट एक्स्ट्रा आप कर लीजिएगा तो मोर देन इनफ रहेगा। तो चलो, सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट की एक गाइडलाइन आई है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स नहीं अप्लीकेबल है और कि क्या क्या अप्लीकेबल नहीं होगा अमेंडमेंट्स के लिए, वो अनाउंसमेंट पहले डिस्कस करूँगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे अमेंडमेंट्स पे हमारा डिस्कशन, ठीक है बेटा। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ओके। इस पे इंस्टीट्यूट की भी अनाउंसमेंट आ गई है, तो सबसे पहले मैं आपको ये अच्छी खबर इंस्टीट्यूट की अनाउंसमेंट यहाँ बताकर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हाँ, और दूसरी एक अच्छी खबर जो है, क्या वो अच्छी खबर है कि बहुत से टॉपिक्स जो एक्सक्लूड किए आपको रीड नहीं करना है, नो डाउट वो आपके लिए भी थी और लास्ट 3 अटेम्प्ट से वो अनाउंसमेंट चल रही है इंस्टीट्यूट की, तो सेम आपके लिए भी उन्होंने अनाउंसमेंट दिया है और जो जो चैप्टर उन्होंने एक्सक्लूड किए हैं वो हमने मैंने ना रेगुलर कोर्स में पढ़ाया है, ना आपको जो ये फास्ट ट्रैक सुपर 35 कोर्स मिल रहा है उसमें भी मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो ये अच्छी खबर, भाई क्या एक्सक्लूड हुआ ये सुनने में ऑलवेज हमें मज़ा आता है, आता है कि नहीं आता है। चलिए, सो दोस्तों जो अभी मैं कहने जा रहा हूँ नेक्स्ट 10-15 मिनट्स ध्यान से मुझे सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ, और अकॉर्डिंगली आपको सुपर 35 फास्ट ट्रैक के कोर्स देखना है। चलिए, सबसे पहले बेटा दोस्तों यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा इंस्टीट्यूट का एक नोटिफिकेशन जो है, ध्यान से मैं इसका एक एक लाइन पढ़ लेता हूँ और एक एक लाइन अच्छे से आप समझ लीजिएगा।
स्टडी गाइडलाइन फॉर मई 2020 एग्जामिनेशन फाइनल न्यू कोर्स पेपर 8 इनडायरेक्ट टैक्सेस। इवन दो इन्होंने न्यू कोर्स बोला है पर ये अप्लीकेबल फॉर बोथ न्यू एज वेल एज ओल्ड कोर्स, ठीक है। सो दोनों को अप्लीकेबल है, लास्ट टाइम भी उन्होंने बाद में क्लैरिफाई कर दिया था और अभी मैं आपको कह रहा हूँ दोनों को अप्लीकेबल है, तो डोंट वरी फॉर दैट। इज इट क्लियर? चलिए अब मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिस्ट ऑफ टॉपिक एक्सक्लूजन फ्रॉम द सिलेबस, क्या क्या एक्सक्लूड किया जा रहा है। सबसे पहले जीएसटी के बारे में पढ़ते। सर क्या पूरा जीएसटी एक्सक्लूड किया? नहीं ना मुन्ना ना, पूरा जीएसटी एक्सक्लूड कैसे करेंगे। हाँ, जीएसटी के कुछ टॉपिक्स जो है ओके वहां एक्सक्लूड किया जा रहा है। पहला, अगर हम लेवी कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी आईजीएसटी जिसमें कंसेप्ट है सप्लाई इंटरस्टेट इंट्रास्टेट टोटल वाटर चार्ज रिवर्स चार्ज एग्जम्पशन, ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे टिल कंपोजिशन लेवी, मतलब बेसिक सप्लाई रिवर्स चार्ज कंपोजिशन टिल कंपोजिशन लेवी, उसमें क्या हुआ था कि इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में ओके गुड्स के रेट्स और सर्विसेज के रेट के टेबल दे दिए थे और कुछ 20 पेजेस के आसपास ओके गुड्स के रेट और सर्विसेज के रेट्स उन्होंने दिए हैं। तो उन्होंने कहा नो 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 ओके आपको वो रेट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तीन अटेम पहले भी बोला उन्होंने और तीन अटेम से ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि वो रेट्स अपना टाइम वेस्ट मत करना, वो 20 पेजेस अगर मटेरियल में आपके आए होंगे तो बिल्कुल मत पढ़ना। इन शॉर्ट आपको प्रॉब्लम है कि गुड्स के और सर्विस टैक्स के रेट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम में दोनों के रेट्स आपको दे दिए जाएंगे। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि यहाँ एग्जम्पशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, हाँ बहुत से गुड्स की लिस्ट दी थी जिसके ऊपर एग्जम्पशन है वो भी आपको नहीं पढ़ना है, और हाँ सर्विसेज के एग्जम्पशन पढ़ना है। सुनिए सुनिए, ये मिसअंडरस्टूड मत करना कि एग्जम्पशन चैप्टर जो है वो एग्जम्पशन चैप्टर एक्सक्लूड कर दिया गया है, ओके वो एग्जम्पशन चैप्टर आपको है और सर्विसेज के एग्जम्पशन आपको नहीं पूछे जाएंगे, ओके सॉरी गुड्स के एग्जम्पशन नहीं पूछे जाएंगे, सर्विसेज के जितने भी हमने अराउंड 100 एग्जम्पशन पढ़े हैं वो सब पूछे जाएंगे। आपको याद आ रहा है वो कौन सा एग्जम्पशन है? हाँ ओके, हेल्थ केयर लीगल सेक्टर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, वो सभी पढ़ना है बेटा, सिर्फ गुड्स के जो एग्जम्पशन है वो नहीं पढ़ना है। और नेक्स्ट, कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टैक्स ऑन विच अंडर रिवर चार्ज, हाँ गुड्स के रिवर चार्ज आपको नहीं पढ़ना है। तो ये जो पहली अनाउंसमेंट दी उन्होंने ये तो पिछले दो अटेम्प्ट में भी अप्लीकेबल थी और मैंने आपकी बुक में कवर नहीं किया है। सुनिए, मैंने आपकी बुक में ये कवर ही नहीं किया है, तो देखो ये स्मार्ट डिसीजन रहा। और आपके बुक में अगर मैंने कवर नहीं किया है तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो आपने ऑलरेडी नहीं पढ़ा है, ठीक है, ऑलरेडी नहीं पढ़ा हुआ है तो आपके बुक्स में ना रेगुलर कोर्स में दिया है ना फास्ट ट्रैक कोर्स में दिया है, दोनों कोर्स में मैंने नहीं दिया है। इज इट क्लियर? चलिए उसके बाद में सेकेंड कहते हैं, जब आप टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केसेस वेयर केरला फ्लड सेस इज अप्लीकेबल, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर केरला फ्लड सेस, तो इन शॉर्ट केरला फ्लड सेस जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था इस बार, ये लास्ट अटेम्प्ट में नहीं था, ये ऐड करके दिया उन्होंने, तो केरला फ्लड सेस जो है इससे रिलेटेड प्रोविजंस आपको नहीं पढ़नी है। और मैंने भी नहीं पढ़ाई, ना रेगुलर में पढ़ाई ना फास्ट ट्रैक सुपर 35 कोर्स में पढ़ाई, तो मैंने भी इसको नहीं पढ़ाया बेटा। थर्ड, ITC, ओहो कहा गया ITC, ये चैप्टर में आपको क्या नहीं पढ़ना है? सर बताओ ना ITC चैप्टर में क्या नहीं पढ़ना है? तो वो कहते हैं कि ITC चैप्टर में मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स एंड रिवर्सल देयर ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जैसे इस साल 2019 में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पे कुछ 68 नोटिफिकेशंस आए हैं, उसमें कुछ ITC के भी नोटिफिकेशंस है, तो वो नोटिफिकेशंस आपको नहीं पढ़ना है। थैंक गॉड हमें नहीं पढ़ना है, नहीं तो बेटा गयो ITC 10 दिन हमको लग जाते थे और लगभग 30 घंटे और लग जाते थे हमें वो सब नोटिफिकेशन पढ़ने, पर इंस्टीट्यूट ने कहा बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो 30 घंटा फालतू है कि वो पर्टिकुलर सेक्टर के लिए वो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नो डाउट प्रैक्टिस में वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत काम आते हैं, वो प्रैक्टिस में पढ़ना है पर अभी एग्जाम के नहीं पढ़ना है, आपको दूसरी मार्क्स लेना है एग्जाम में, तो आपको ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट ऑफ एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम रिस्पेक्ट गोल्ड बार, ओके तो गोल्ड डोर बार, तो ये दोनों आपको नहीं पढ़ना और ना मैंने पढ़ाया हुआ है,
तो आईटीसी चैप्टर में मैंने ये दोनों भी आपको नहीं पढ़ा है, ना मेरे रेगुलर बुक में कवर्ड है, ना मेरे स्मार्ट गाइड में कवर्ड है, ना मेरे सुपर 35 या बूस्टर में, कोई भी बुक में मैंने कवर्ड नहीं है, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी था। ओके, लास्ट दो अटेम्प्ट से चल रहा है तो मैंने इसको कवर नहीं किया है आपके बुक में। तो सर आप पूछोगे, सर इसका मतलब ये है कि जो आपके बुक में है उसमें क्या एक्सक्लूड करना है? उसमें कुछ नहीं करना है, मैंने वही पढ़ा है जो आपको अप्लीकेबल है, और जो आपको अप्लीकेबल नहीं था, जो लास्ट टू अटेम्प्ट से ये नोटिफिकेशन चल रहा है, ओके, तो मैंने ये आपको बुक में ही नहीं लिया है। चलिए नेक्स्ट, प्रोसीजर अंडर जीएसटी इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इलेक्ट्रॉनिक ई वे बिल, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, रिटर्न, पेमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, रिफंड या जॉब वर्क। हाँ, तो इससे रिलेटेड बेटा मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोसीजर चैप्टर में ओके GSTR 2 बने, GSTR 3 मैचिंग रिवर्सल ऑफ ITC, मैचिंग रिवर्सल ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ये तीन कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ना है। और बेटा अगर आपने मेरी बुक होगा तो देखो, रिटर्न चैप्टर में मैंने एक आपको पूरा पेज का नोट डाल के दिया है कि ये चैप्टर ICAI ने अप्लाई नहीं किए, लास्ट दो अटेम्प्ट में भी उन्होंने अप्लाई नहीं किए, और आपके मई 2020 अटेम्प्ट को भी वो अप्लाई नहीं होगे, और मैंने पढ़ाए नहीं है। हो सकता है मैंने बुक में दिए होगे पर मैंने पढ़ाए नहीं है। अगर मैंने यहाँ नहीं पढ़ाया तो आपको भी नहीं पढ़ना है, आई रिपीट, आपको भी नहीं पढ़ना है। इज इट क्लियर? ओके, सो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे एंड अदर प्रोविजन में ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में कस्टम्स और FTP में अगर देखा जाए तो कस्टम्स और FTP में ट्रांजिशनल प्रोविजन जैसे यहाँ तक ऊपर देखा जाए तो ट्रांजिशनल प्रोविजन मैंने बुक में भी कवर नहीं किया ये चैप्टर। सो जितने भी चैप्टर्स यहाँ एक्सक्लूड किए हैं, ओके, मतलब सॉरी, वो जितने भी चैप्टर्स के टॉपिक्स एक्सक्लूड किए, चैप्टर एक्सक्लूड नहीं किए, बी केयरफुल, चैप्टर एक्सक्लूड नहीं किए हैं, ये चैप्टर्स के जो भी टॉपिक्स एक्सक्लूड किए हैं वो टॉपिक्स मैंने अपने बुक में कवर ही नहीं किए हैं, तो ना, ओके, तो आपको वो पहले से एक्सक्लूड करके दे दिया और आपकी छोटी बुक और आपकी बुक और छोटी हो गई। सो ये तो था बेटा रिगार्डिंग टू ओके GST। कस्टम्स और FTP के बारे में अगर हम बात करें तो ऑफिसर्स ऑफ कस्टम अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट या कोस्टल गुड्स रिलेटेड प्रोविजन या वेयर हाउसिंग से रिलेटेड प्रोविजन या डिमांड या रिकवरी के रिलेटेड प्रोविजन या प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोहिबिटेड गुड्स, स्पेसिफाइड गुड्स, इलीगल गुड्स, सर सीजर, अरेस्ट, ऑफेंसेस, पेनल्टी, कॉन्फिस्केशन, प्रोसिक्यूशन, अपील, रिविजन, एडवांस रूलिंग, सेटलमेंट कमीशन एंड अदर प्रोविजन्स। तो बेटा ये भी, ये सभी चैप्टर्स कस्टम्स के बुक से मैंने एक्सक्लूड कर दिए हैं, ओके, और आपको नहीं पढ़ाया है। तो अगर ये आप रेगुलर कोर्स कर रहे हो या आप फास्ट ट्रैक कोर्स कर रहे हो, ये चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़ाए हुए हैं, क्योंकि ये सेम लास्ट टू अटेम्प्ट में एक्सक्लूजन था और आपके अटेम्प्ट में भी एक्सक्लूजन है, तो ये चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़ाए। नाउ एक मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की यहाँ हो रही है, मैं आपका ध्यान चाहूँगा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट की यहाँ पे ये हो रही है, ओके, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है? तो मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो रही है बेटा कि FTP, सर क्या FTP भी एक्सक्लूड हुआ है? नहीं, FTP एक्सक्लूड नहीं हुआ है, ओके, वो तो टाइटल है कस्टम्स एंड FTP, और वो टाइटल के तहत ओके चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर्स और टॉपिक्स एक्सक्लूड किए हैं वो दिए गए हैं, और डोंट वरी मैंने अपने बुक्स में भी कवर नहीं किया है, कमान मैंने अपने बुक्स में भी कवर नहीं किया है, जो आप रेगुलर या फास्ट ट्रैक सुपर 35 कोर्स मेरे से पढ़ रहे हो या आगे बूस्टर रिविजन अगर आप ले रहे होगे तो उसमें भी कवर्ड नहीं है। चलो यहां तक तो ठीक है। फिर हमारी इंस्टीट्यूट क्या कहती है, रेट स्पेसिफाइड इन कंपाउंडेड टैक्स पेबल अंडर कंपोजिशन लेवी एंड स्पेशल रेट ऑफ टैक्स प्रिस्क्राइब अंडर नोटिफिकेशन 2/2019 दैट इज 6% आर इंक्लूडेड इन सिलेबस। मतलब ये कहती है कि जो कंपोजिशन स्कीम का जो रेट था, आपको याद आ रहा है, मैन्युफैक्चर 1%, रेस्टोरेंट कैटरिंग 5%, अदर्स 1%, तो वो रेट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। और जो सर्विस टैक्स वाली स्कीम है, सुनिए सुनिए ध्यान से, जो सर्विस टैक्स वाली स्कीम है, सर्विस टैक्स वाली स्कीम कौन सी है? तो सर्विस टैक्स वाली स्कीम अगर आपको याद होगी तो 6% वाली स्कीम है, वो भी रेट आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद में कुछ नोट उन्होंने दी है, जो नोट मैं रीड करके आपको बताऊंगा। अप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019, भाई अभी अभी जो एक फाइनेंस एक्ट आया 2019 सॉरी अभी अभी एक एक्ट आया फाइनेंस एक्ट 2019, तो क्या ये फाइनेंस एक्ट 2019 जो है क्या हमें अप्लीकेबल होगा? ओके, ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंस एक्ट 2019 ओके जो अभी आया, बजट के बाद आया, मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा आपको, ओके, मैंने वो वीडियो तो अभी ये अनाउंसमेंट के पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, ओके, और वो वीडियो में कहा था मैंने कि फाइनेंस एक्ट 2019 आपको अप्लीकेबल नहीं होगा, और इंस्टीट्यूट ने देखो क्या बोला है,
इंस्टीट्यूट ने कहा पार्ट वन जीएसटी एक्सेप्ट अमेंडमेंट मेड इन सेक्शन 54 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इन आफ्टर रेफर सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड द रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन टू 2017 फॉर गुड्स मेड बाय अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2019 इन रिस्पेक्ट ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ओके हैव नॉट बिकम इफेक्टिव कम ऑन हैव नॉट बिकम इफेक्टिव यानी वो क्लियरली कह रहे हैं कि वो इफेक्टिव नहीं होगी पर दो अमेंडमेंट्स आपको इफेक्टिव रहेगी कौन सी दो अमेंडमेंट आपको इफेक्टिव रहेगी ओके एक सेक्शन 54 वाली अमेंडमेंट्स ओके ध्यान से देखिएगा एक सेक्शन 54 वाली अमेंडमेंट्स और एक ओके एक रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट बाय नोटिफिकेशन 2017 सर ये अमेंडमेंट्स क्या है एक रिफंड की अमेंडमेंट है और एक जो है ओके नोटिफिकेशन 2017 की एक रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट उन्होंने दी है तो ये जो अमेंडमेंट्स है मैं अमेंडमेंट्स में कवर कर लूंगा डोंट वरी फॉर दैट ये दो अमेंडमेंट्स आपकी कवर हो जाएगी ओके सिर्फ दो ही अमेंडमेंट एक्ट की ओनली दो अमेंडमेंट आपको अप्लीकेबल है देखिए बाकी कोई अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल नहीं है आप तो बहुत बच गए ओके बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई थी बाय फाइनेंस एक्ट 2019 बट आपको अप्लीकेबल नहीं है देखो तो अननेसेसरी लोगों ने कन्फ्यूजन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ओके फैलाया कि बहुत सारी अमेंडमेंट्स है कोई ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं थी बेटा जस्ट क्लैरिफिकेशंस थे एक्स्ट्रा ओके और नेक्स्ट यहां पे हाँ देयरफॉर ओनली द अमेंडमेंट मेड इन सेक्शन 54 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इज अप्लीकेबल फॉर मे 2020 एग्जामिनेशन 54 की एक छोटी सी अमेंडमेंट है मैं आपको ले लूंगा ओके रिफंड चैप्टर में और जिन्होंने रेगुलर क्लास किया उनका तो ऑलरेडी कवर हो गया है और फास्ट ट्रैक कार्स जो कर रहे हैं उनकी अमेंडमेंट्स में कवर हो जाएगी ओके एंड ऑल रिमेनिंग अमेंडमेंट्स मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2019 इन सीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट आर नॉट अप्लीकेबल फॉर मे 2020 एग्जामिनेशन इट मे बी नोटेड दैट सिंस द रेट ऑफ टैक्स ऑन गुड्स इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स ऑफ नोटिफिकेशन टू 2019 ऑल्सो एक्सक्लूडेड क्योंकि नोटिफिकेशन टू 2019 जो था ओके वो रिलेटेड टू रेट ऑफ टैक्स ऑन गुड्स था और वो जो है नोटिफिकेशन टू मतलब मैंने आपको कहा दो अमेंडमेंट्स है दो अमेंडमेंट में से 54 वाली तो मैं लेने वाला हूं और जो नोटिफिकेशन टू 2017 वाली अमेंडमेंट जो रिट्रोस्पेक्टिव है आर आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस क्योंकि वो रेट से रिलेटेड है और अभी अभी हमने ऊपर का एक टेबल पढ़ा क्या टेबल पढ़ा कि रेट गुड्स के रेट से रिलेटेड आपको सिलेबस में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा अगर गुड्स के रेट से रिलेटेड सिलेबस में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा तो आपको वो सेकंड भी नहीं पढ़ना है मतलब ओनली वन अमेंडमेंट Come on, only one amendment section 54 की वो ही आपको पढ़ना है इतनो सा एक अमेंडमेंट था बेटा तो मैंने पहले ही रिकॉर्ड करके आपको कहा था सिर्फ क्लैरिफिकेशन से ओके ये बिल अप्लीकेबल नहीं है आपको नाउ नेक्स्ट कस्टम्स एंड एफटीपी द अमेंडमेंट्स मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2019 इन कस्टम्स एक्ट एंड कस्टम टैरिफ एक्ट हैव बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1st अगस्त 2019 And hence the same are applicable for May 2020 examination. Customs की जो amendments है customs की amendments में उन्होंने ये कहा है कि ये जो फाइना customs के बारे में बात कर रहे हैं customs और FTP के बारे में बात कर रहे हम GST के बारे में बात नहीं कर रहे वो कह रहे हैं customs की जो amendments है okay जो 1962 में और 1975 में आपको जो अप्लीकेबल हुई है वो 1 अगस्त से ही अप्लीकेबल करवा दी गई थी और वो 1 अगस्त से अप्लीकेबल करवा दी गई थी हेंस आपके यहाँ पे आपको अप्लीकेबल रहेगी तो ठीक है वो कस्टम्स की अमेंडमेंट्स ओके आपको बताओ क्या जिसमें सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई वो चैप्टर आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दीजिए आई रिपीट जिसमें सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई वही वो चैप्टर आपके सिलेबस से एक्सक्लूड किए जैसे सर सीजर डिटेंशन पेनल्टी फाइन ये आपके सिलेबस से ही एक्सक्लूड कर दिए उन्होंने तो आपके सिलेबस से ही एक्सक्लूड करने की वजह से बहुत सारी अमेंडमेंट्स से आप बच गए और बाकी जितनी भी अमेंडमेंट्स है बेटा मैं हूँ डोंट वरी वो सभी अमेंडमेंट्स आपकी कवर कर ली गई है रेगुलर बुक में या ओके आपकी कवर कर ली जाएगी अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्स कर रहे हो तो मैं जो अमेंडमेंट्स देने वाला हूँ ज़्यादा नहीं 2 पेजेस 3 पेजेस के अमेंडमेंट्स है और उसमें मैं कवर कर लूँगा डोंट वरी फॉर दैट ठीक है ओके सबका विकास लिगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम 2019 इंट्रोड्यूस इन चैप्टर 5 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019 एंड इज नॉट अप्लीकेबल वेरी इंपॉर्टेंट नॉट अप्लीकेबल फॉर 2020 एग्जामिनेशन एक स्कीम आई है ओके डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम मतलब
जिन्होंने 2017-18 में प्रॉपर रिटर्न नहीं भरे हैं एंड उसके यहाँ पे प्रॉपर क्रेडिट वगैरह नहीं लिए, तो ये स्कीम में, सुनिए ध्यान से, ये स्कीम में सबका विकास स्कीम के ये आपको नहीं पूछा जाएगा फॉर मई 2020। उसके बाद में द फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज बीन और रीऑर्गेनाइज एज न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019। सच रीऑर्गेनाइजेशन टू द एक्सटेंट रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी लॉ शैल नॉट बी अप्लीकेबल फॉर मे अटेम। जैसे मैंने आपको कहा था 29 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरीज, आई रिपीट 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज जो है पहले थी, अब क्या हुआ स्टेट 29 में का एक स्टेट उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। कौन सा स्टेट एक्सक्लूड कर दिया है यहां पे? ओके, जम्मू एंड कश्मीर, और उसको दो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया है। पर ये जो भी चेंजेस है ये चेंजेस मई 2020 एग्जाम के लिए नहीं पूछे जाएंगे। मतलब आपको मई 2020 एग्जाम के लिए वो याद रखना है, क्या याद रखना है, 29 स्टेट्स ओके एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, उसमें भी दो ऐसी यूनियन टेरिटरी है ओके, दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो दो ऐसी यूनियन टेरिटरी है कि जहां जो है आपको एसजीएसटी लॉ अप्लाई करना है। उसके बाद में नेक्स्ट, इन अबो टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टॉपिक्स ऑफ सिलेबस स्पेसिफाइड इन कॉलम 2 रिलेटेड एक्सक्लूजन इज गिवन इन कॉलम 3 वेयर एक्सक्लूजन हैज बीन सो स्पेसिफाइड इन द टॉपिक ऑफ सिलेबस द प्रोविजन करस्पॉन्डिंग टू सच एक्सक्लूजन कवर्ड इन टॉपिक्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सिलेबस शैल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड। मतलब क्या? मतलब जहां जहां पे भी हमने एक्सक्लूजन दिया है, जैसे हमने आपको जीएसटीआर ओके 1A, GSTR 2 और GSTR 3 का एक्सक्लूजन दिया है, तो ये जो हमने टेबल 3 में एक्सक्लूजन दिया है ओके, टॉपिक्स का एक्सक्लूजन जो हमने टेबल 3 में आपको दिया है, इससे रिलेटेड, कम ऑन, इससे रिलेटेड या इससे कनेक्टेड प्रोविजंस ऐसे टॉपिक में कवर्ड है जो आपके सिलेबस में आता है, ऐसे टॉपिक में कवर्ड है जो आपके सिलेबस में आता है, तो वो भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है जो आपके ऑलरेडी सिलेबस में आता है। इज इट क्लियर? उसके बाद में बेटा नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें ओके, तो आप आवाज़ सुन रहे हो कि मेरा छोटा बेबी जो है चिल्ला रहा है, पर चलो ठीक है, मैं आपको ये लेक्चर प्रॉपरली रिकॉर्ड करके देता हूँ। ओके, सो बेटा नेक्स्ट जो है यहाँ अगर आप देखेंगे, नाउ अक्टूबर 2019 एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल इज रिलेवेंट फॉर मई 2020 एंड नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। अमेंडमेंट इन जीएसटी लॉ इन कस्टम्स लॉ एंड एफ टी पी मेड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ दिस स्टडी मटेरियल टू द एक्सटेंट कवर्ड बाय स्टेचुटरी अपडेट्स मई 2020 एग्जामिनेशन अलोन शैल बी रिलेवेंट। यानी जो स्टेचुटरी अपडेट्स मई 2020 की आएगी उसमें जो अमेंडमेंट्स आपको दी जाएगी वो ही आपको पढ़ना है, बाकी आपको कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ना है। मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब ये हुआ कि आपको स्टैट्यूटरी अपडेट्स जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है, स्टैट्यूटरी अपडेट्स जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है, तो ये उतनी उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। अब सवाल आता है कि सर आप तो हमें अमेंडमेंट्स देने वाले हो, अगर आप हमें अमेंडमेंट्स देने वाले हो तो क्या हमें स्टैट्यूटरी अपडेट्स अलग से पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, स्टैट्यूटरी अपडेट्स में दी गई अमेंडमेंट्स जो है वो मैं सब कवर कर लूंगा, इसलिए आपको अलग से स्टैट्यूटरी अपडेट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? सो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे स्टैच्युटरी अपडेट्स, द एंटायर कंटेंट इंक्लूडेड इन अक्टूबर 2019 एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो वेल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप? चलो आपका यहाँ पढ़ना चालू होगा, जीएसटी आप अच्छे से पढ़ रहे होगे, तो नाउ आपका जो अमेंडमेंट्स के लिए आप वेट कर रहे होगे, तो नाउ ये हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सीए फाइनल आईडीटी अमेंडमेंट, अमेंडमेंट्स ऑफ जीएसटी एज वेल एज कस्टम, दोनों के हम अमेंडमेंट देखेंगे, और आरटीपी का डिस्कशन मैं इमीडिएटली जैसे ही इंस्टीट्यूट की आरटीपी आ जाती है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, जनरली फेब्रुवरी के मंथ में आती है, तो फेब्रुवरी के मंथ में आरटीपी आते ही मैं डिस्कशन अपलोड कर दूंगा आरटीपी का। इवन दो टाइटल आरटीपी डिस्कशन दिया है, पर अभी हम सिर्फ अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं, आरटीपी डिस्कशन बाद में कवर हो जाएगा। और नाउ ये अमेंडमेंट में क्या क्या कवर है, तो बेटा यहाँ पे सभी सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन 31 अक्टूबर 2019, मेरे स्लाइड में गलती से 2018 है, बट 2019
2019 तक सभी हम कवर कर रहे हैं। ऑल स्टैचुटरी अपडेट्स ऑफ आईसीएआई, आईसीएआई की सभी स्टैचुटरी अपडेट्स हम इसमें कवर करेंगे। तो नाउ इस बार अच्छा ये किया कि आईसीएआई ने अपनी स्टैचुटरी अपडेट्स जो है वो दिसंबर में ही इश्यू कर दिया था फॉर मई 2020, और उसकी सभी स्टैचुटरी अपडेट्स जो है हम इसमें कवर करने वाले हैं। और नाउ आरटीपी एज अप्लीकेबल फॉर मई 2020, आई रिपीट आरटीपी, ओके, फॉर मई 2020, बाय मिस्टेक यहाँ 19 आया है, ओके सॉरी 2020, तो आपकी जो आरटीपी रहेगी वो आरटीपी का डिस्कशन आरटीपी आते ही हम यहाँ इसको कवर करेंगे। अभी तो ये सिर्फ अमेंडमेंट्स की नोट्स दी है आपके स्टैचुटरी अपडेट्स पे। इज इट क्लियर बेटा? चलिए नाउ दोस्तों, आर यू रेडी फॉर अमेंडमेंट्स? हाँ, आई होप आपने मेरा स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन देख लिया होगा कि इंस्टीट्यूट का जो अनाउंसमेंट आया था क्या इंक्लूड हुआ है और क्या एक्सक्लूड हुआ है, ये भी हमने बहुत अच्छे से देखा। ओके, तो कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है, कौन से एक्सक्लूड हो गए, कौन सी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल होगी, ये पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। चलिए नाउ, इसके अलावा आपको अमेंडमेंट्स में बाकी और कुछ भी नहीं पढ़ना है दोस्तों, तो हम अमेंडमेंट स्टार्ट करें। चलिए पहला अमेंडमेंट हम देखेंगे ऑन द चैप्टर कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। ओके, तो जो कंसेप्ट ऑफ सप्लाई पे क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई, बहुत छोटी सी अमेंडमेंट हुई है, ओके, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है। और ये चैप्टर में जो है एक यहाँ क्लैरिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने इशू किया है वो क्लैरिफिकेशंस हमें देखना है। सो मैं पहले ही कह दूं ये एडिशनल अमेंडमेंट्स है, ओके, फॉर मई 2020 अटेम्प्ट के लिए। मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ये जो अमेंडमेंट्स है, ये जो अमेंडमेंट्स 30th अप्रैल के बाद जो हुई है, 30th अप्रैल से लेकर 31st अक्टूबर तक की जो अमेंडमेंट्स है वो मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। तो जो नवंबर अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट्स थी नवंबर 2019 के लिए, तो उसके लिए ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो है बेटा मेरा, ओके। ये जो एडिशनल अमेंडमेंट्स है उसका स्पेशल डिस्कशन मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में यहाँ पे क्या हुआ, चलो हम देखते हैं। जैसे आपको याद होगा सेक्शन 7, इसको आप कैसे बोलोगे सेक्शन 7 को, सेक्शन 7, यस बेटा, व्हाट सेक्शन 7 रिलेटेड टू सप्लाई, सेक्शन 71A, कम ऑन, सेक्शन 71A, ओके, अगर आपको याद होगा तो याद आ रहा है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन। तो सेक्शन 71 और सेक्शन 71 इंक्लूड, 72 एक्सक्लूड, डू यू रिमेंबर दैट? 71 में हमने विथ कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, विथ कंसिडरेशन में 71A एंड 71B, कम ऑन, विथ कंसिडरेशन में 71A और 71B, तो ये विथ कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन 71A में था ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ, 71A में था ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के सभी फॉर्म सप्लाई कवर किए जाएंगे, जैसे सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लीज और रेंटल, डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन whether in the course of business or not. 71B में importation of service cover किया गया है. Now 71C में जो है बेटा, यहाँ पे without consideration as per schedule 1 कहा गया. 1A talk about classification, यहाँ तक कोई amendments नहीं है. उसके बाद में 72 में schedule 3 वाली activities, ओके, यहाँ पे भी कोई शेड्यूल 3 में भी कोई amendments नहीं है, कोई भी activity add नहीं किया गया है. लेकिन बेटा 72B जो है, कम ऑन, आ जाइए 72B में क्या कहता है, सच एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज अ पब्लिक अथॉरिटीज एस मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल. कुछ ऐसी एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन, आई रिपीट, कुछ ऐसी एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की होगी, यानी वो एक्टिविटी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी या लोकल अथॉरिटी करेगी, इन विच दे आर एंगेज एज अ पब्लिक अथॉरिटी, उसमें ये जो गवर्नमेंट एक्टिविटी करेगी ये पब्लिक सर्विसेस होगी, एज अ पब्लिक अथॉरिटी वो अपॉइंट की जाएगी, एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल. जो ओके एक्टिविटीज गवर्नमेंट खुद ही नोटिफाई करेगी, मतलब इन सिंपल वर्ड में गवर्नमेंट अपनी ही कुछ ऐसी एक्टिविटी नोटिफाई करेगी जो एज अ पब्लिक अथॉरिटी है और वो
सप्लायर नहीं माना जाएगा, यानी वो सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोनों भी नहीं माना जाएगा। सो इसमें दो नोटिफिकेशन आए, एक 14/2017 और दूसरा अभी अभी ये अमेंडमेंट है बेटा, ये अमेंडमेंट है, सेकेंड नोटिफिकेशन आया। ओके, सो कौन से दो ऐसे नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट की सर्विसेस है एज अ पब्लिक ऑथोरिटी सर्विसेस है पर जिसे सप्लाई नहीं कहा जाएगा। पहला नोटिफिकेशन वो क्या कहता है, सर्विसेज बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शंस इंट्रस्टेड टू पंचायत अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और टू म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 243G एंड 243W, आई रिपीट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 243G और 243W जो है, ओके, ये जो दो आर्टिकल में, आई रिपीट, ये जो दो आर्टिकल्स में यहां पे डिटेल्स दी गई है, ओके, फंक्शंस दिए गए हैं, अगर उस टाइप के फंक्शंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, आई रिपीट, वो टाइप के फंक्शन सेंट्रल स्टेट या लोकल अथॉरिटी कैरी आउट करती है तो क्यों ना कंसिडरेशन पे हो पर उसे सप्लाई नहीं बोला जाएगा। इज इट क्लियर, सप्लाई नहीं बोला जाएगा। उसके बाद में सेकंड क्या ऐड किया इन्होंने, देखो सेकंड क्या ऐड किया, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, अंडरलाइन ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अगेंस्ट अ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस और एप्लीकेशन फीस बाय वॉट एवर द नेम कॉल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन विच दे आर एंगेज एज अ पब्लिक ऑथोरिटी, अंडरलाइन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन विच दे आर एंगेज एज अ पब्लिक ऑथोरिटी शैल नीदर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब आपको ये पता है बात, भाई कौन सी बात आपको पता है, अगर आपको याद होगा, ओके ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको याद होगा तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये जीएसटी के स्कोप में नहीं है, ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, ये तो ओके इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है कि अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी के स्कोप में नहीं है, लेकिन क्या था, अल्कोहल ही जीएसटी के बाहर था, यानी इंडिया में जो सेल और परचेस करेगा अल्कोहल का, आई रिपीट, जो सेल और परचेस करेगा अल्कोहल का उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन नाउ अल्कोहल लाइसेंस देने की रिन्यूअल फीस स्टेट गवर्नमेंट का करोड़ का रेवेन्यू है, आई रिपीट, अल्कोहल लाइसेंस का रिन्यूअल फीस देने का स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सा करोड़ का रेवेन्यू है और ओके ईयरली ये अल्कोहल के लाइसेंस रिन्यू करने पड़ते हैं, तो ऐसे केस में स्टेट गवर्नमेंट जब ये अल्कोहल के लाइसेंस रिन्यू करती है तो अब क्या हुआ, अल्कोहल को जीएसटी के बाहर रखा गया पर अल्कोहल की लाइसेंस फीस जो लगती है, यानी अल्कोहल लिकर लाइसेंस देने की जो फीस स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो फीस तो सर्विस के डेफिनेशन में आ गई, और अगर वो सर्विस के डेफिनेशन में आ गई तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा और जीएसटी सेंट्रल और स्टेट दोनों शेयर करेगी 50-50%, दोनों शेयर करेगी सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, ओके, तो उसके ऊपर जीएसटी भी लगा दो और दोनों गवर्नमेंट जो है 50-50% शेयर करेगी। अब स्टेट वालों का क्या कहना था, स्टेट वालों का कहना था अच्छा एक तो ये लाइसेंस फीस हमारा रेवेन्यू है, अब स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है लाइसेंस फीस उसके ऊपर और वो अल्कोहल से रिलेटेड है और उसके ऊपर आप जीएसटी लगा रहे हो, वो जीएसटी का चलो 50% तो स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा, आई रिपीट, वो जीएसटी का 50% तो स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा पर रिमेनिंग 50% सेंट्रल लेगा। सो पहले ही जो लाइसेंस फीस है वो एक तरह का टैक्स है, ओके, लाइसेंस फीस एक तरह का टैक्स है ऑन अल्कोहलिक लिकर, उसके ऊपर अगर आप यहां पे उसके ऊपर जीएसटी लगा दोगे एज अ सर्विस तो उसका 50% सेंट्रल ले लेगी, यानी एक टैक्स पर टैक्स हो जाएगा, ओके, और वो उस पर 50% रेवेन्यू सेंट्रल का हो जाएगा। तो ऐसे केस में सभी स्टेट गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल को ओके ये डिमांड की कि हम जो अल्कोहलिक लीकर के लाइसेंस बांटते हैं और उसकी जो रिन्यूअल फीस लगाते हैं, ओके, तो जो भी लाइसेंस फीस होगी या एप्लीकेशन फीस होगी या जो भी आप नाम होगा उसके ऊपर जीएसटी ना लगाया जाए। तो एट लास्ट ओके सेक्शन 7(2) क्लॉज बी का पावर यूज करके गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे कि हाँ अल्कोहलिक लिकर की जो लाइसेंस फीस या एप्लीकेशन फीस होगी उसके ऊपर जीएसटी
किसी भी तरह से नहीं लगाया जाएगा, नॉट एज अ गुड्स लगाया जाएगा और नॉट एज अ सर्विसेस लगाया जाएगा। तो नाउ यहाँ पे जीएसटी काउंसिल ने कहा सभी स्टेट गवर्नमेंट को कि क्या आप अब खुश है? ओके, सभी स्टेट ने कहा हाँ हाँ हम खुश है। लेकिन फिर एक कंफ्यूजन हुआ भाई, क्या कंफ्यूजन हुआ? कंफ्यूजन ये हुआ कि क्या स्टेट गवर्नमेंट सभी जो लाइसेंसेस देती है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के लाइसेंस देती है, स्पेक्ट्रम के लाइसेंस देती है, क्या वो भी ये नोटिफिकेशन कवर करेगा क्या? तो सीबीआईसी ने इमीडिएट क्लैरिफाई किया, सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया कि ये जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ अल्कोहल के लाइसेंस का ही होगा, बाकी कोई भी लाइसेंस का नहीं होगा, यानी बाकी सभी लाइसेंस पे जीएसटी लगाया जाएगा। तो चलो वो क्लैरिफिकेशन मैं आपको लिख कर दे देता हूं, सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन, यहां जगह नहीं है, पर अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको ब्लैंक, आधा ब्लैंक पेज मिल जाएगा। तो यहां आपको लिखना है, यहां क्लोज कर देना, सॉरी थोड़ा स्पेस देकर, या लास्ट पेज पे हम बॉटम में जगह मिलेगी आपको, हाँ यहां बॉटम में जगह मिलेगी इससे रिलेटेड, तो एक क्लैरिफिकेशन लिख दो यहां पे, ऐसे ही बॉटम में जगह मिलेगी तो यहाँ क्लैरिफिकेशन लिखो। और बेटा एक नोट्स अपने साथ रखना या कुछ ब्लैंक पेजेस अपने साथ रखना, कहीं पे अगर मैं चार्ट ड्रॉ करूँ, ओके, कहीं पे अगर मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिखा के दूँ तो वो लिख कर यहाँ अमेंडमेंट के साथ वो डायग्राम, वो चार्ट या कुछ एक्स्ट्रा जो है अमेंडमेंट के साथ वो अटैच कर देना, वहीं के वहीं इमीडिएट स्टेपल से अटैच कर देना। तो यहाँ पे बेटा ओके कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है वो लिखना है, लिखो एक क्लैरिफिकेशन सीबीआईसी का आया, और क्या क्लैरिफिकेशन आया सीबीआईसी का देखिए, राइट डाउन सर्कुलर नंबर, लिखो सर्कुलर नंबर 121/40/2019, लिखो लिखो दिस नोटिफिकेशन इज अप्लीकेबल, राइट नाउ दिस नोटिफिकेशन इज अप्लीकेबल only for grant of liquor licenses by state government, only for grant of liquor licenses by state government and not applicable not applicable to other privileges, comma licenses mining rights or natural resources. Or natural resources. Full stop. In such cases, GST is payable under RCM. In such cases, GST is payable under RCM. Payable under RCM. तो बेटा सिर्फ जो अल्कोहलिक लीकर के लाइसेंसेस है उस पर ही ओके यहां पे सप्लाई से बेनिफिट दिया गया, उसको सप्लाई ही नहीं माना गया, एग्जम्पशन तो दूर की बात, उसको सप्लाई ही नहीं माना गया, इज इट क्लियर? और दूसरी बात यहां पे बेटा ओके
बाकी जो भी प्रिविलेजेस होंगे, बाकी जो भी लाइसेंसेस होंगे, या बाकी जो भी यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस के लाइसेंस होंगे, जैसा स्पेक्ट्रम हो गया, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम हो गया एक्सेट्रा, उसको कोई बेनिफिट नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा और आरसीएम में लगाया जाएगा। सर आप आरसीएम क्यों बोल रहे हो? मैं आरसीएम बस इसलिए बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि अगर आपको आरसीएम की एक एंट्री याद होगी तो आरसीएम के एंट्री में यह दिया हुआ है कि कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है टू बिजनेस एंटिटी, कमन कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है टू बिजनेस एंटिटी, तो वो केस में आरसीएम लगाया जाता है। तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट थी जो हमने यहां कंप्लीट की, जो हमने यहां कंप्लीट की। उसके बाद उसका क्लैरिफिकेशन, सबसेक्शन 3 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो एक बस छोटी सी अमेंडमेंट सेक्शन 7 में, वो भी बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन आई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहां पे एक क्लैरिफिकेशन जो सप्लाई चैप्टर के बेस पे है, क्लैरिफिकेशन ऑन लेवी ऑफ जीएसटी ऑन सर्विस ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम और प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट्स ऑफ द डोनर इन द प्रीमाइसेस of charitable organization receiving donation or gift from the individual donors. ये clarification पढ़ने के पहले थोड़ा इसका background मैं आपको समझाना चाहूंगा। सर इसका क्या background है, जरूर देखिए इसका क्या background है। देखो, now section 7(1)(e) अगर हम पढ़े तो all form of supply of goods or services, of goods or services, so all form of supply of goods or services, now वो जो आप supply कर रहे हो, मैं supply फिर वो sale हो, transfer हो, barter हो, etc. etc. for consideration होना चाहिए, sorry, made or agreed to be made, agreed to be made for consideration. Okay, तो बेटा जस्ट एक मैं आपको एक रिलेशन एक्सप्लेन कर देता हूं। मतलब आप जो भी सप्लाई कर रहे हो उसमें कंसिडरेशन का क्लियर इंटेंशन होना चाहिए। मतलब यू आर ओके डूइंग द सप्लाई, आप सप्लाई कर रहे हो ओके कंसिडरेशन के लिए, या आपको कंसिडरेशन मिल रहा है तो आप सप्लाई कर रहे हो, एक कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी है। आई रिपीट, एक कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी है कि सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, भाई मैं करी इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ मिलना चाहिए, या कुछ मिल रहा है इसलिए मैं कुछ कर रहा हूं, उसको कहते हैं सप्लाई फॉर कंसिडरेशन। तो ये सप्लाई फॉर कंसिडरेशन पे क्लैरिफिकेशन आया और बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन आया, मैं एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये क्लैरिफिकेशन पे। तो क्या बेटा, थोड़ा मैं आपको बता दूं ये क्लैरिफिकेशन के यहां पे, अगर कोई स्टूडेंट यहां अभी रिसेंट बैच अगर मेरी किया होगा और वो अमेंडमेंट ये देख रहा होगा, तो सबसे आगे सबसे लास्ट मॉड्यूल में एंडिंग में एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशंस मैंने दिए, उसमें मैंने ये समझाया था। पर कोई बात नहीं, आप अमेंडमेंट देख रहे हो तो अच्छी बात है, ओके अमेंडमेंट्स देखना अच्छी बात होती है, एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्लैरिफाई इशू क्या था, इशू ये था कि वेदर जीएसटी इज लेवियबल ऑन सर्विस ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम और प्लेसिंग द नेम प्लेट्स ऑफ डोनर इन द प्रीमाइसेस ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग डोनेशन और गिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स। समझ लो, वी स्मार्ट एकेडमी ने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिया। आई रिपीट, वी स्मार्ट एकेडमी ने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिया। अब मैंने तो डोनेशन दे दिया भाई, आप ही समझ रहे हो, मैंने तो डोनेशन दे दिया। सो नाउ जस्ट एज अ एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ओके मेरा बिजनेस प्रमोट होने के लिए नहीं, जस्ट एज अ एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ओके वो चैरिटेबल ट्रस्ट ने वहां नेम प्लेट लगाई उनके जो भी प्लेस होगी वहां पे, कि नाउ वी स्मार्ट एकेडमी हैज डोनेटेड 5 लाख रुपीस, जस्ट एज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड जस्ट टू अवेयरनेस इन पब्लिक कि भाई वी स्मार्ट चैरिटी कर रहा है। लेकिन मैंने जो डोनेशन दिया उसके अगेंस्ट में ये मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि वो मुझे मेरे बिजनेस को प्रमोट करे। ये डोनेशन कोई इन द कोर्स ऑफ प्रमोशन ऑफ बिजनेस नहीं हुआ, नो डाउट। आखिरी कंडीशन है सप्लाई होने के लिए कि जो भी कंसिडरेशन
हो रहा है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो फॉर एग्जाम्पल ओके चैरिटेबल ट्रस्ट और वी स्मार्ट एकेडमी, आई रिपीट चैरिटेबल ट्रस्ट ओके यहां पे इधर चैरिटेबल ट्रस्ट और वी स्मार्ट एकेडमी. तो चैरिटेबल ट्रस्ट ओके नॉन अब नाम डिस्प्ले कर रही है नेम प्लेट पे कि वी स्मार्ट एकेडमी हैज डोनेटेड 5 लाख रुपीज. एक जस्ट ग्रेटिट्यूड है, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड है. सो वी स्मार्ट एकेडमी डोनेटेड 5 लाख रुपीज. तो क्या और उनको 5 लाख का पैसा मिल रहा है तो क्या उनकी ये सर्विस मानी जाएगी कि नेम डिस्प्ले करना, आई रिपीट वो नेम डिस्प्ले करना फॉर दैट डोनेशन? ये बहुत बड़ा सवाल है. अगर इस तरह का अगर वो नेम डिस्प्ले करने का पैसा ले रहे हैं तो सर्विस, तो फिर तो जीएसटी भी लग जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट पे. चैरिटेबल ट्रस्ट पे जीएसटी क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है ओके नेम डिस्प्ले किया, इस पैसा मिला. तो मेरा आपसे एक सवाल है, ध्यान से सुनना, आपसे एक सवाल है, क्या उन्होंने जो नेम डिस्प्ले किया फॉर कंसिडरेशन था या वॉलेंट्री डोनेशन मिला था? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा नहीं था रेसिप्रोसिटी कि भाई आप पैसा दोगे तो ही हम नेम डिस्प्ले करोगे, या फिर आपने पैसा दिया तो मुझे करना ही पड़ेगा. ओके, यानी हम बाइंडिंग है कि अरे आपने 5 लाख रुपए दे दिया तो मुझे नेम डिस्प्ले करना ही पड़ेगा, या वो वॉलेंट्री पैसा था, ये एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड मैंने नेम डिस्प्ले किया. नहीं भी करता तो भी कोई वो पैसा मेरे से वापस नहीं लेती. वी स्मार्ट बड़ा अच्छा है, ओके कि वो पैसा वापस नहीं लेती. ये समझ में आया? तो इसमें कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी नहीं है. और मैं जो नेम डिस्प्ले कर रहा हूं कोई उनके बिजनेस को प्रमोशन नहीं हो रहा है, यानी ये कोई एक्टिविटी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और एक्सेट्रा, इसके लिए नहीं हो रही है. तो ऐसे केस में सीबीआईसी ने भी क्लैरिफिकेशन दिया और सभी चैरिटेबल ट्रस्ट को एक रिलैक्सेशन मिला. ओके, राहत मिली कि चलो यार बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन आया. और सीबीआईसी ने यही क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर डोनेशन या गिफ्ट मिलते हैं और जिसने डोनेशन और गिफ्ट दिए उसका नाम आप डिस्प्ले करते हो, नेम प्लेट पे लिखते हो एज अ ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा. अनलेस अगर ये प्रूव नहीं होता है कि भाई वो नाम ही इसलिए डिस्प्ले किया गया क्योंकि पैसा मिला. हाँ, बहुत सी बार कोई चैरिटेबल ट्रस्ट का इवेंट है, ध्यान से सुनना मेरा एग्जांपल, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट का इवेंट है और कि चैरिटेबल ट्रस्ट ने क्लियर कट बोला कि देखो भाई आप पैसा दोगे, कम ऑन आप पैसा दोगे तो नाम डिस्प्ले होगा, हम आपका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, प्रमोशन करेंगे, आपके बिजनेस को प्रमोट करेंगे, हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है, हमारा ओके डांडिया प्रोग्राम है, हमारा ये प्रोग्राम है, हमारा वो प्रोग्राम है, पर यहां आपका अगर यहां पे हमें आपका नाम डिस्प्ले करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा. मतलब क्लियर कट है कि उनकी सर्विस जो है चैरिटेबल ट्रस्ट की सर्विस है फॉर कंसिडरेशन. फॉर कंसिडरेशन मतलब हम सर्विस देंगे तो पैसा चाहिए, या पैसा मिला तो हम सर्विस देंगे. कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी है. तो ऐसे सिचुएशन में बेटा हाँ ये केस वो सप्लाई हो सकता है, उसके ऊपर जीएसटी आएगा. तो देखो मैं क्लैरिफिकेशन पढ़ रहा हूं. इंडिविजुअल डोनर प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प और एनी अदर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन और गिफ्ट और गिफ्ट टू इंस्टीट्यूशन सच एज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑर्फेंज, ओल्ड एज होम एक्सेट्रा. द रिसिपियंट इंस्टीट्यूशन प्लेस अ नेम प्लेट और सिमिलर एक्नोलेजमेंट इन देयर प्रीमाइसेस टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड. आई रिपीट, द रिसिपियंट इंस्टीट्यूशन प्लेस अ नेम प्लेट और सिमिलर सच एक्नोलेजमेंट जस्ट टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड. When the name of donor is displayed in the recipient institution premises in such a manner which can be said to be an expression of gratitude or public recognition of donor's act of philanthropy. मतलब उसने चैरिटी एक्ट किया और वो चैरिटी एक्ट को पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन दिया जा रहा है कि बाकी और डोनेशन मिले. उसके बिजनेस को प्रमोट करना हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था इसके अंदर चैरिटेबल ट्रस्ट का. इट इज नॉट एम एट गिविंग पब्लिसिटी, अंडरलाइन ये वर्ड आना ही चाहिए. It is not aim at giving publicity to donor in such a manner. It would be advertising or promotion to his business. Then it can be said that there is no supply for a consideration. I repeat, there is no supply for a consideration and there is no obligation, okay, on the part of recipient of the donation or gift or do anything. Therefore, there is no GST liability. इससे एक बात समझ गए. इससे ये बात मिल समझ गई कि जो भी वॉलंटरी मिल रहा है जिसके अगेंस्ट में आप सर्विस देना आप पे बाइंड नहीं होता है, आपकी इच्छा है,
ओके मुझे वॉलंटरी डोनेशन मिला, वॉलंटरी गिफ्ट मिला, जो भी मिला, ओके उसके अगेंस्ट में मैं सर्विस दू, ऐसा कोई मेरे पे बाइंडिंग नहीं है, ओके वो वॉलंटरीली है और उसमें कोई मैं उसका बिजनेस प्रमोट नहीं कर रहा हूं, तो ऐसे सिचुएशन में वो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। आई रिपीट, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और वो केस में जीएसटी लाइबिलिटी नहीं आएगी। ओके सो वो केस में जीएसटी लाइबिलिटी नहीं आएगी। उसके बाद में यस यहां कुछ एग्जांपल मैंने दिए, तो चलो थ्री कंडीशंस, अगर आपको बेनिफिट लेना है तो तीन कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सा? गिफ्ट और डोनेशन इज मेड टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, द पेमेंट हैज द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। हाँ समझो, वो जो अभी पेमेंट मिला वो गिफ्ट या डोनेशन होना चाहिए, एंड पर्पज इज नीदर कमर्शियल गेन नॉर एडवर्टाइजमेंट। हाँ उसमें ओके, जो नाम डिस्प्ले हो रहा है वो नाम डिस्प्ले वक्त, डिस्प्ले करते वक्त डोनर को कोई भी किसी भी तरह से एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन नहीं होना चाहिए, या किसी भी तरह से उसके बिजनेस को गेन नहीं होना चाहिए। ओके तो वो सिचुएशन में, आई रिपीट, उसके बिजनेस को गेन नहीं होना चाहिए, तो वो सिचुएशन में यहां पे जो है ओके बेनिफिट दिया जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? डन। यहां पे तो ये हमने देखा। ओके यहां ये क्लैरिफिकेशन, तो एक नोट आपको लिखना है तो लिख सकते हो, लिखो, अगर एक नोट लिखना है तो लिख सकते हो नीचे। इफ इफ एनी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, इफ एनी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन received any gift or donation against advertisement or promotion of the business, against advertisement or promotion of the business of the donor, advertisement or promotion of the business of the donor, of the donor, then it would be treated as supply for consideration, then it would be treated as supply for consideration, and GST is payable. It would be treated as supply for consideration and GST is payable. Done beta. तो ये हमारा अमेंडमेंट हुआ ऑन द फर्स्ट चैप्टर कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। मैं चैप्टर वाइज अमेंडमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये केस में ऐसा हो सकता है कि शर्ट्स वगैरह सब बदल जाए। ओके सो डोंट वरी फॉर दैट। और मुझे व्हाट्सअप नहीं करना कि सर आपका शर्ट चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, स्मार्ट दिख रहे हो। ओके तो प्लीज डोंट व्हाट्सअप मी। डन? ओके वेल सो नाउ लेट डिस्कस अमेंडमेंट रिलेटेड टू सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिवर्स चार्ज। ओके सो रिवर्स चार्ज में क्या क्या अमेंडमेंट हुई, इंक्लूडिंग ईसीओ। ईसीओ में तो ऐसे कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, पर रिवर्स चार्ज में हाँ कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज ऐड हुई है और एक एंट्री जो है आपकी अमेंड की गई है। तो वो कौन सी एंट्री अमेंड की गई है, ओके यहाँ हम देखेंगे, और क्या क्या एक्स्ट्रा एंट्रीज ऐड की गई है रिवर्स चार्ज में, ये भी हम देखेंगे दोस्तों। सो नाउ यहाँ पे रिवर्स चार्ज एंड ईसीओ। ओके रिवर्स चार्ज एंड ईसीओ, सो सेक्शन 9(3) रिवर्स चार्ज अंडर नोटिफाइड केसेस। तो 9(3) और 9(4) दो प्रोविजंस हमने रिवर्स चार्ज के देखे थे। 9(3) में गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई होगी, और वो गुड्स और सर्विसेज आपने अगर परचेज किया तो रिसिपिएंट पे लायबिलिटी आएगी। 9(3) में सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर 9(3) में दिए गए गुड्स और सर्विसेज आपने परचेज कर ली है, आई रिपीट, 9(3) में दिए गए गुड्स और सर्विसेज आपने परचेस के लिए, तो लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी, कम ऑन किसके ऊपर आएगी बेटा, रिसिपिएंट पे। डन? चलो ओके तो हम डिस्कशन यहां स्टार्ट करते हैं।
ये नंबर मैंने नोट्स में लिए है क्योंकि नोट्स से कॉपी किया है इसलिए ओके। अगर आपके पास रेगुलर नोट्स या फास्ट ट्रैक नोट्स होगी तो 9 नंबर पे आएगा ओके। अदरवाइज सिर्फ अमेंडमेंट आप रेफर कर रहे हो, रेगुलर बैच आपने किसी और का किया होगा तो 1 नंबर ले लो। ये नंबर पे आपको नहीं जाना है, इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या यहाँ अमेंडमेंट्स हुई है। आपकी जो एग्जिस्टिंग एंट्री थी ओके, कुछ याद अगर आपको होगा तो मैं याद दिला दूँ। एग्जिस्टिंग एंट्री में उसमें एक थोड़ा सा चेंज लाया, कौन से एग्जिस्टिंग एंट्री में रिवर्स चार्ज में उन्होंने चेंज लाया है देखिएगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 31(1)(a) ऑफ कॉपीराइट एक्ट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटररी ड्रामेटिक म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क बाय एन ऑथर म्यूजिक कंपोजर फोटोग्राफर आर्टिस्ट टू म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूसर और लाइक लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज अ पब्लिशर म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूसर और लाइक लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। पहले तो मैं ये एंट्री आपको समझा देता हूं और फिर अमेंडमेंट जो है क्या लाया गया वो भी आपको समझाता हूं, ठीक है बेटा। चलिए सबसे पहले तो इस एंट्री को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये एंट्री कहती क्या है। ये एंट्री यहां पे ये कहती है बेटा कि अगर हमने जो सेक्शन 31(1)(a) में कॉपीराइट्स जो डिफाइन किए है, कौन से सेक्शन में डिफाइन किए बेटा, 31(1)(a) ऑफ कॉपीराइट एक्ट। क्या हमें सर कॉपीराइट एक्ट पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। पहले कुछ कम है क्या पढ़ने के लिए? तो जा रहे हो कॉपीराइट एक्ट में, तो आपको कोई कॉपीराइट एक्ट नहीं पढ़ना है। पर सेक्शन 31(1)(a) ऑफ कॉपीराइट एक्ट के तहत चार ऐसे कॉपीराइट्स है जो ओरिजिनल वर्क होने चाहिए, मतलब आपके बनाए हुए ओरिजिनल, किसी का कॉपी नहीं, आपने खुद ने बनाया हो। जैसे ओरिजिनल लिटरी वर्क, कुछ लिखा हो, बुक लिखा हो आपने, कोई सॉन्ग लिखा हो, कोई मूवी की स्टोरी लिखी हो, या ड्रामेटिक वर्क होगा आपका, आप आर्टिस्ट हो, ड्रामा करते हो, या म्यूजिकल वर्क होगा या आर्टिस्टिक वर्क होगा। तो नाउ ड्रामेटिक वर्क होगा या फिर म्यूजिकल वर्क होगा या आर्टिस्टिक वर्क, आप आर्ट आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, एक एक्सेट्रा, और कोई आर्टिस्टिक वर्क होगा पर आपका खुद का बनाया हुआ है, और आप एज अ ऑथर, एज अ म्यूजिक कंपोजर, एज अ फोटोग्राफर या आर्टिस्ट उसके टेम्पररी राइट्स देते हो। कम ऑन, क्या कह रहा हूं मैं, उसके आप राइट्स देते हो म्यूजिक कंपनी को। समझ लो आपने कोई अच्छा म्यूजिक बनाया, ए आर रहमान ने कोई म्यूजिक बनाया, उसका ओके म्यूजिक का राइट म्यूजिक कंपनी को दिया ओके, तो आपने खुद ने बनाया हुआ है, आपने म्यूजिक कंपनी को दिया, प्रोड्यूसर को दिया, या लाइक लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो और लाइक जो भी होगा, मतलब पब्लिशर होगा या म्यूजिक कंपोजर होगा या एक्सेट्रा। तो ऐसे सिचुएशन में उसका अगर ओरिजिनल लिटरेरी वर्क खरीदा होगा, ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क के राइट्स लिए होंगे, ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क के राइट्स लिए होंगे, तो उसका टैक्स पे करने का लायबिलिटी जो ऑथर है, जो जिनका इंटेलेक्ट यूज हुआ है या जो म्यूजिक कंपोजर है उनके ऊपर नहीं आएगा, उनसे जो राइट्स लेगा उनके ऊपर लगाया जाएगा। आई रिपीट, उसके ऊपर लगाया जाएगा। समझ लो मैं इनडायरेक्ट टैक्स का बुक लिख रहा हूं और मैंने इसके पब्लिश करने के राइट समझ लो किसी पब्लिशर कंपनी को दिया तो ऐसे किस में अगर मैंने खुद बुक लिखी होगी, लिटरी वर्क होगा, तो उसकी जो भी मुझे रॉयल्टी मिलेगी उस रॉयल्टी का टैक्स मैं नहीं पे करूंगा, रिवर्स चार्ज भी पब्लिशर पे करेगा एक्सेट्रा। ना अमेंडमेंट क्या हुई, अमेंडमेंट हुई बेटा लिटरी वर्क, आई रिपीट द वर्ड लिटरी वर्क, यहां पे ये यहां से हटा दिया गया और उसके लिए सेपरेट एंट्री लाई गई। लिटरी वर्क, ऑथर और पब्लिशर, ऑथर और पब्लिशर, ये तीन वर्ड उन्होंने हटा दिए। सर ये तीन वर्ड क्यों हटाए? वो तीनों कनेक्टेड है, जो लिखता है उसे ऑथर कहते हैं और वो अपना लिखने का राइट्स पब्लिशर को देता है, तो ये तीनों वर्ड्स वहां से हटा दिए गए। और ये एंट्री जो बची है अभी, वो एंट्री बची है ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क और आर्टिस्टिक वर्क के लिए। तो आपने क्या करना है, आपके पास जो रेगुलर बुक है, कुछ नहीं, एक छोटी सी अमेंडमेंट करनी है। आपके पास जो रेगुलर बुक है या फास्ट ट्रैक सुपर 35 बुक होगी, उसमें से लिटरी वर्क पे स्क्रैच करना है,
इधर ऑथर पे स्क्रैच करना है, यहां पब्लिशर होगा या यहां पब्लिशर होगा, तो दोनों जगह पब्लिशर को स्क्रैच करना है। ओके, और बाजू में लिख देना है रेफर अमेंडमेंट नोट्स, रेफर अमेंडमेंट नोट्स। अब ओके, अमेंडमेंट में क्या आया, एक नई एंट्री 9A ऐड हुई। अब वो एंट्री क्या है, ओके, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 13(1)(a) ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क। हाँ, तो अब लिटरेरी वर्क के लिए उन्होंने जो है अलग कर दिया है, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क बाय एन ऑथर, देखो ऑथर जो लिटरेरी वर्क कर रहा है उसके लिए सेपरेट एंट्री आ गई है, टू पब्लिशर, तो लायबिलिटी जो है पब्लिशर पे डाली जाएगी। ओके, सो सर इसमें नया क्या है, रुको ना, तो मिनट बताता हूं ना नया क्या है, पहले समझ तो लो। ओके, पहले भी ऐसा ही था सर, ऑथर अगर पब्लिशर को देता है तो रिवर्स चार्ज में पब्लिशर पे आएगा, अभी भी तो वैसा ही है, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क होगा और ऑथर जो है, ओके, ऑथर दे रहा होगा पब्लिशर को दे रहा तो रिवर्स चार्ज, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन बाद में इस एंट्री में कुछ कंडीशंस डाली गई, और अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो फिर ऊपर दिया गया रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं किया जाएगा और फॉरवर्ड चार्ज में ऑथर ही उसका टैक्स देगा। सर नहीं समझा, थोड़ा आप ध्यान फिर से समझाओगे हमें? बिल्कुल बेटा, फिर से समझ लो। ओके, अभी भी रिवर्स चार्ज ही है, ध्यान से सुनो, अभी भी रिवर्स चार्ज ही है। रिवर्स चार्ज है का मतलब क्या, मतलब यह है कि अगर ओके, आज ऑथर अब कुछ भी लिखता है और उसके राइट्स किसको दे रहा है बेटा, उसके राइट पब्लिशर को दे रहा है, तो लायबिलिटी टू पे टैक्स किसके ऊपर डाली हुई है, लायबिलिटी टू पे टैक्स पब्लिशर पे ही डाला हुआ है। लेकिन इसमें अब ऑप्शन लाया है, ऑप्शन लाया मतलब ये रिवर्स को अगर चाहो तो फॉरवर्ड कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो मतलब लायबिलिटी ऑथर पे शिफ्ट कर सकते हो। देखो अभी तक ओके, रिवर्स चार्ज में एक ही एंट्री इसके पहले ऐसी थी जो रिवर्स की फॉरवर्ड कर सकते थे, मतलब ऑप्शन था, वो था जीटीए। क्या आपको याद है जीटीए? जीटीए में आपको ऑप्शन दिया था ओके, 12% या 5%, आपको 12% में जाना हो तो ओके, आप फॉरवर्ड चार्ज में दो, और आपको नहीं जाना हो तो रिवर्स चार्ज में 5% लगता था, कुछ याद आया? इसके अलावा, जीटीए के अलावा अगर बाकी कोई भी एंट्री में, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पे डिलीवर कर रहा हूं, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, जीटीए छोड़ के बाकी कोई भी एंट्री अगर रिवर्स चार्ज में होगी तो टैक्स रिसिपिएंट ही देगा, फॉरवर्ड चार्ज पे शिफ्ट नहीं होगा। अरे सर पर सप्लायर रेडी, अरे सप्लायर रेडी हो या नहीं हो बाजू में रखो उसको, टैक्स देने वाला रिसिपिएंट ही होगा, कुछ मेरी बात समझे बेटा, तो टैक्स देने वाला रिसिपिएंट ही होगा, खत्म। यानी सिर्फ जीटीए छोड़ के ओके, बाकी किसी को ऑप्शन नहीं मिलता था कि वो फॉरवर्ड में शिफ्ट कर दे। जैसे लॉयर हुआ, लीगल सर्विस हुआ, लीगल सर्विस में लॉयर खुद टैक्स देने को रेडी है क्योंकि उसको क्रेडिट लेना है, नहीं, लॉयर को जो है यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो लॉयर को जो है ऑप्शन ही नहीं था, बिजनेस एंटिटी को ही टैक्स था, इंश्योरेंस एजेंट हुआ, रिकवरी एजेंट हुआ, सो जो भी रिवर्स चार्ज हमने पढ़े थे रिसिपिएंट ही टैक्स देगा। नाउ अब बेटा एक ऑप्शन ऑथर के लिए आया है, ऑथर के लिए आया है, वैसे ऑथर भी रिवर्स चार्ज में ही है, यानी टैक्स पब्लिशर ही देगा, कवर टैक्स उसका कौन देगा, पब्लिशर भी देगा, पर यहां ऑप्शन दे दिए, यानी जीटीए तो थी जो फॉरवर्ड चार्ज में आ सकती थी और अब बेटा ऑथर लेके आ गए। अब ये ऑथर कहता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये ऑथर ये कहता है, ये एंट्री क्या कहती है, ये एंट्री कहती है कि वैसे तो रिवर्स चार्ज है पर अगर ऑथर चाहे और ऑथर आके ये डिक्लेयर करे कॉमन पोर्टल पे कि मैं टैक्स दूंगा, ओके, मेरे पब्लिशर को परेशान मत करो, मैं दूंगा टैक्स और फॉरवर्ड चार्ज में मैं टैक्स इसका देने को रेडी हूं, तो ऐसे केस में पब्लिशर इस वो सिचुएशन में टैक्स नहीं देगा, वो केस में ऑथर टैक्स देगा और बर्डन पास ऑन होगा। जैसा मैं ये एग्जाम्पल समझाने की कोशिश इस तरह से करता हूं कि समझ लो कोई ऑथर है और ऑथर अपने राइट्स, समझ लो मैं हूं ओके, आईडीटी भी बुक्स लिख रहा हूं और मैंने उसको पब्लिश करने के राइट्स टैक्समैन को दे दिए, मैंने पब्लिश करने के राइट्स टैक्समैन को दे दिए, ठीक है, तो नो डाउट जो भी मुझे रॉयल्टी मिलेगी इसका, जो भी मुझे रॉयल्टी मिलेगा, समझ लो रॉयल्टी मुझे मिल रही है 10 लाख रुपीज अज्यूम, ओके, तो जो भी मुझे रॉयल्टी मिल रहा है मेरे बुक का ओके, पब्लिश करने का, तो वो रॉयल्टी पे टैक्स पे करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिशर की है, ओके, तो ये है पब्लिशर,
ओके, और उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहां पे 10 लाख रुपए पे, 10 लाख रुपए पे जीएसटी दे, और जीएसटी 18% से दे रिवर्स चार्ज पे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, लेकिन गवर्नमेंट ने अब नोटिफिकेशन में ऑप्शन दे दिया, यानी उस एंट्री को अलग कर दिया और ऑप्शन दे दिया। क्या ऑप्शन दे दिया गवर्नमेंट ने बेटा? गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दे दिया कि चलो कोई बात नहीं बेटा, ऑथर अगर चाहे तो वो चीज फॉरवर्ड में ले सकता है, ऑथर अगर चाहे तो फॉरवर्ड में ले सकता है, कुछ शर्तें उसको पूरी करनी पड़ेगी। अब यहां फॉरवर्ड में वो टैक्स पे करेगा और इनवॉइस में बर्डन पास ऑन करेगा। पर सर क्यों फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा? कोई तो रीजन होगा। पहली बात तो हो सकता है, क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताता हूं, उसके 2-3 रीजन है। पहला कि क्यों इसको फॉरवर्ड का ऑप्शन दे दिया, पहला रीजन ये है कि अगर आप फॉरवर्ड टैक्स पे करते हो, ध्यान से सुनना, वैसे भी YouTube पे ओपन लेक्चर है, अगर कभी बाद में याद नहीं आया तो फटाफट 2 की स्पीड में सुन लेना, ठीक है। तो फॉरवर्ड टैक्स में क्या होता है बेटा? तो फॉरवर्ड टैक्स में आपको ITC मिल जाता है, मतलब आपने कोई इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस या ऑथर ने लिया होगा तो उसको ITC मिल जाते हैं। किसमें बेटा? किसमें ITC मिलता है? फॉरवर्ड चार्ज में उसको ITC मिल जाते हैं। इज इट क्लियर? आई रिपीट, फॉरवर्ड चार्ज में उसको ITC मिल जाते हैं। ओके, तो हो सकता है ऑथर को अपने ITC लेना है। क्यों? क्योंकि उसकी सर्विस अगर रिवर्स में चली गई ना, तो वो केस में फिर ऑथर को ITC नहीं मिलता है, क्योंकि रिवर्स वाला सर्विस या गुड्स जो है सेक्शन 17(3) के तहत, आई रिपीट, सेक्शन 17(3) के तहत एग्जम सप्लाई माना जाता है। ओके, तो अगर आपका सप्लाई रिवर्स में तो वो एग्जम सप्लाई माना जाता है, तो फिर ITC नहीं मिलते आपको। तो ऑथर चाहे तो वो फॉरवर्ड में ले सकता है, ऑथर कहता है मुझे फॉरवर्ड में लेना है, चल बिल ले ले भाई, तेरे को रोका किसने, तू फॉरवर्ड में ले ले, ऑप्शन दे दिया अब गवर्नमेंट ने। ओके, तो अब वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे सकता है और अपने ITC भी ले सकता है। और दूसरी बात, ओके, फायदा पब्लिशर का भी होगा, क्योंकि क्या होता है बेटा, गुड्स वो जो भी बुक्स है वो बुक्स पब्लिश करके वो सेल करता है, पब्लिश करके सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं क्या, ओके, बुक्स एजुकेशनल बुक नील रेट पे है, नील रेट पे है या एग्जम्प्टेड है। ओके, तो अब ये पब्लिशर की परेशानी क्या हो जाती है आपको पता है क्या? पब्लिशर की ये परेशानी हो जाती है, ध्यान से सुनना, पब्लिशर की ये परेशानी हो जाती है कि उसका आउटवर्ड सप्लाई टोटली एग्जम्प्टेड है, उसका आउटवर्ड सप्लाई टोटली एग्जम्प्टेड है। आप मेरी बात समझ रहे हो आप? तो उसका आउटवर्ड सप्लाई टोटली एग्जम्प्ट है, ठीक है, और रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आ रही है, आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्ट है, रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आ रही है, बंदे को क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। ओके, और दूसरी बात देखो, अब आपको सेक्शन 23 अगर याद होगा, कुछ याद आ रहा है सेक्शन 23? नहीं आ रहा है, पर ठीक है मैं याद दिला देता हूं। सेक्शन 22 जो था वो थ्रेशोल्ड था, कुछ याद आया? सेक्शन 22 थ्रेशोल्ड था और सेक्शन 23, आई रिपीट, क्या? सेक्शन 23 जो था, सेक्शन 23 था कि अगर, ध्यान से सुनना, सेक्शन 23 ये था कि अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जम सप्लाई कर रहे हो, नील रेट सप्लाई कर रहे हो, या ऐसा सप्लाई कर रहे हो जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, आप एक्सक्लूसिवली एग्जम सप्लाई कर रहे हो, नील रेट सप्लाई कर रहे हो, या ऐसा सप्लाई कर रहे हो जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब क्यों ना आपका बिजनेस करोड़ में हो जाए, सुनिए सुनिए, क्यों ना आपका बिजनेस करोड़ में हो जाए पर एक्सक्लूसिवली एग्जम सप्लाई है, सो नो नीड टू रजिस्टर, नो नीड टू रजिस्टर। पर अब ये पब्लिशर का प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई, उसका आउटवर्ड सप्लाई तो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट है, लेकिन उसने रिवर्स चार्ज आने की वजह से बेचारे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, क्योंकि रिवर्स चार्ज में सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। तो ये पब्लिशर कह रहा है, अरे यार ओके, मेरा करोड़ का टर्न ओवर जो एग्जम्प्ट है, और ओनली रिवर्स चार्ज के लिए, कम ऑन, आई नीड योर अटेंशन, ओनली रिवर्स चार्ज के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, ओनली रिवर्स चार्ज के लिए, तो ये गलत हुआ ना। ओके, तो इसमें क्या हो रहा था, पब्लिशर को रिवर्स चार्ज में रजिस्ट्रेशन लो, टैक्स पे करो, ओके, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो, मंथली क्वार्टरली रिटर्न दो, उधर ऑथर भी क्रेडिट नहीं ले पा रहा था, क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिविटी रिवर्स चार्ज में थी। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है यार, कोई ऑथर अगर फॉरवर्ड चार्ज में लेना चाहता है तो ले लो। अब फायदे क्या क्या हुए? फायदे ये हुए बेटा कि फॉरवर्ड चार्ज में आते ही ऑथर को उसका ITC मिलने लगा, उसके बाद में पब्लिशर को इसके वजह से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि रिवर्स चार्ज में टैक्स ही नहीं है। हाँ, बर्डन उसके ऊपर पास ऑन होगा, अब वो बिल में पास ऑन होगा, पहले वो देता था, अब ये बिल में लगा के देगा,
जीएसटी एट द रेट 18% है, ओके, तो 10 लाख का 1,80,000 तो ये बिल में लगा कर देगा, ओके, तो वो सिचुएशन में बिल में लगाकर वो टैक्स दिया जाएगा, आई रिपीट, वो टैक्स दिया जाएगा। तो ये हुआ रिगार्डिंग टू, आई रिपीट, ये हुआ रिगार्डिंग टू यहां पे दिस न्यू एंट्री जिसके ऊपर स्पेशल डिस्कशन मैंने आपको बताया, रीजन भी मैंने आपको बताया ऐसा क्यों किया, पर ये रीजन वगैरह आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि यस, ऑथर के लिए उन्होंने सेपरेट कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, उन्होंने जो सिर्फ सेपरेट किया वो ऑथर के लिए किया, मतलब अगर आप ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क का राइट्स दे रहे हो तो रिवर चार्ज, मतलब रिवर चार्ज ही लगेगा, फिर क्यों ना वो आर्टिस्ट खुद देने को रेडी हो, वो ड्रामेटिक वर्क के लिए खुद देने को रेडी हो, उससे कोई कंसर्न नहीं। ये फैसिलिटी सिर्फ उन्होंने किसको दी, कमॉन, किसको दी, ओनली ऑथर को दी। मेरी बात समझे क्या आप? यस, ओनली ऑथर को दी। तो ये देखा हमने रिवर चार्ज रिगार्डिंग टू यहाँ पे ऑथर एंड पब्लिशर्स। तो मैं कंडीशन पढ़ लेता हूं, क्या कंडीशन है बेटा यहाँ पे, तो देख लीजिएगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई वेयर ऑथर हैज टेकन अ रजिस्ट्रेशन एंड नथिंग कंटेंड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई, मतलब क्या, इस एंट्री की कोई भी प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी और रिवर चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगर ऑथर हैज टेकन अ रजिस्ट्रेशन एंड फाइल्ड अ डिक्लेरेशन, दो चीजें ऑथर ने करनी चाहिए, बताओ कौन सी दो चीजें ऑथर ने करनी चाहिए, एक तो उसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए और स्पेशल डिक्लेरेशन भी देना चाहिए कि भाई मैं दूंगा टैक्स, हाँ हाँ मैं दूंगा टैक्स, ओके। तो ऑथर हैज टेकन अ रजिस्ट्रेशन एंड फाइल्ड अ डिक्लेरेशन within the time prescribed within the jurisdictional GST commissioner that he exercised option to pay central tax on the service under forward charge and to comply with all the provisions as they apply to a person liable for paying the tax in relation to supply of goods or services, that he shall not withdraw the said option for a period of 1 year from the date of exercise said option. Matlab kya? Usne, okay, yahan pe GST commissioner ko ye declaration dena chahiye ki bhai main iska tax pay karne ke liye ready hu, main registration karwa chuka hu, okay, aur main is act ki sabhi provision main comply karne ke liye ready hu, come on, is act ki sabhi provision, okay, comply karne ke liye main ready hu aur एक साल तक मैं ये फॉरवर्ड चार्ज वाला लिया हुआ ऑप्शन विड्रॉ नहीं खाऊंगा, ये कसम खाता हूं, ये कसम खाता हूं। अगर ये सभी बातें पूरी होती है तो फॉरवर्ड चार्ज में ऑथर पे आएगा। नाउ नेक्स्ट, ऑथर मेक्स अ डिक्लेरेशन ऑन द इनवॉइस इशूड बाय हिम इन फॉर्म जीएसटी इनवॉइस 1 टू द सप्लायर, ओके, वो डिक्लेरेशन INV 1 में जाएगा। Thus, where author is registered and he make a declaration to pay tax proper officer, then not required to pay tax, author will pay the tax under forward charge. ये हमने देखा, तो ये था यहाँ पे हमारी second amendment. Okay, तो ये हमने, sorry, secondly, amendment in existing entry. बस, जो पुरानी existing entry है, उसमें इत्तू सी amendment हुई है, हाँ, इत्तू सी, कि बस author को अलग कर दिया गया है, और उसको option दिया है, तो उसको दोनों option है, reverse charge as well as फॉरवर्ड चार्ज। तो एक चार्ट बना लो बेटा, कॉपीराइट सर्विस ओरिजिनल, एक मिनट, कॉपीराइट सर्विसेस अंडर सेक्शन 13 1A ऑफ कॉपीराइट एक्ट, ए ऑफ कॉपीराइट एक्ट, ठीक है, इसमें दो पार्ट करना, पहला लिखो ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, ओरिजिनल यहां पे लिटरेरी वर्क, एंड सेकेंड कौन कौन से थे बेटा,
ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, सेकंड ओरिजिनल ड्रामेटिक म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क, इन सेकेंड पार्ट लिख दो ओनली रिवर्स चार्ज इज अप्लीकेबल, ओनली आरसीएम इज अप्लीकेबल, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली आरसीएम इज अप्लीकेबल। फर्स्ट केस में फिर से दो पार्ट्स, फर्स्ट केस में फिर से दो पार्ट्स, पहला लिखो इफ ऑथर has, if author has taken registration, taken registration and file declaration as above, author has taken registration and file declaration as above, downward arrow लिखो, forward charge is applicable, downward arrow लिखो, forward charge is applicable and author is liable to pay tax, फॉरवर्ड चार्ज इज अप्लीकेबल एंड ऑथर इज लायबल टू पे टैक्स, ब्रैकेट में लिखना ही कैन ऑल्सो अवेल आईटीसी, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही कैन ऑल्सो अवेल आईटीसी, ही कैन ऑल्सो अवेल आईटीसी, सेकेंड पार्ट में इफ ऑथर is not registered, and not filed declaration, downward arrow, also have not filed declaration, then downward arrow, RCM is applicable, and publisher is liable for payment of tax. Done. Publisher is liable for payment of tax. Chali. Well, so beta next entry jo add hui hai, wo ye hai. Ye newly insert hui hai. Iske pehle wali entry jo hai, wo yahan pe amend hui thi. Aur ek entry nahi add hui thi. Pehle to, okay, wahan se author nikala gaya aur separate entry add hui. Ye dekho kya. Services provided by renting of motor vehicle. चलो थोड़ा इसको इस तरह से समझा देता हूं और फिर हम एक डायग्राम निकालेंगे जो इजी होगी, आपको आसानी होगी समझने के लिए. सर्विस प्रोवाइडेड, एक सर्विस प्रोवाइडर है और वो मोटर व्हीकल, ओके यहां पे मोटर व्हीकल, डोंट राइट एनीथिंग पहले समझ लो, मोटर व्हीकल रेंट पे देता है, मोटर व्हीकल रेंट पे देता है, ठीक है. तो अब मोटर व्हीकल में क्या क्या आ सकता है बेटा, मोटर व्हीकल में उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मोटर व्हीकल फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट, मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, कोई भी मोटर व्हीकल जो रेंट पे देता है. देखो हाँ एक चीज समझ लेना, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस,
पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, इन दोनों में डिफरेंस है, हैं? अब ये क्या है? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस आपको याद आ रहा है कि एग्जम्पशन देखा था, बाय रोड, बाय रिवर, बाय एयर, ब्ला 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 ब्ला, कुछ याद आया आपको? हाँ, तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, इन दोनों में फर्क है। भाई क्या फर्क है सर, बताइए तो। ठीक है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस मतलब ओके, यहां पे ऑटो आपका है, समझ लो ये ऑटो है, एग्जाम्पल देते हैं, ये ऑटो है। सो नाउ ये अगर रिक्शा है, इंक्लूडिंग ई रिक्शा, ओके डायग्राम पे नहीं जाने का, हाँ ये रिक्शा है, तो ऐसे सिचुएशन में ड्राइवर, ये जो ड्राइवर है ये आपको बिठा रहा है, पैसेंजर्स को बिठा रहा है, और ये पैसेंजर्स को लेके जा रहा है, मतलब उसके वो ऑटो आपको पूरा रेंट पे दे रहा है कि आपको ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, वो आपको ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, वो पैसेंजर्स को बिठा रहा है और इस पैसेंजर्स को वो लेके जा रहा है, मतलब ऑटो पे कंट्रोल पूरा उसका है, कस्टडी उसकी है, सब कुछ उसका है, आप बैठिए और चलिए, उसको कहते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। अगर आपको याद होगा तो मीटर कैब या ऑटो रिक्शा, अगर आपको याद होगा तो ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा ये एग्जम्प्ट है, मतलब इंडिया में कोई ऑटो वाला या कैब वाला पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देगा, पैसेंजर को बिठाएगा और लेके जाएगा, तो वो एग्जम्प्ट है, वो एग्जम्प्ट ही है। अगर सर्विस एग्जम्प्ट है तो फिर नॉर्मल चार्ज, रिवर्स चार्ज वगैरह ये सवाल ही नहीं आता है। ये मेरी बात समझ में आपको? लेकिन बेटा अगर यही मोटर रेंटिंग, मतलब क्या, आपके पास बस है, आपके पास ट्रक है, ओके आपके पास ऑटो है, या कोई भी आपके पास कार है, ओके और ये जो बंदा जिसके पास ओके बस, ट्रक, ऑटो, कार, तो मेरे पास बस है, मेरे पास ट्रक है, मेरे पास ओके ऑटो है, कार है, तुम्हारे पास का है, अब ये मत बोलना कि मेरे पास माँ है, माँ, ओके सो ऐसे सिचुएशन में कि भाई ये बंदे के पास बसेस होगी, ट्रक्स होगे, ऑटो होगा, कार होगी, और वो रेंट पे दे रहा है, ये मोटर व्हीकल जो है बेटा, ये मोटर व्हीकल वो रेंट पे दे रहा है, ध्यान से सुनना, वो रेंट पे दे रहा है, ओके तो वो किसी को रेंट पे देता है, भाई देख रहे मंथली तूने मुझे ये दे देना या डेली रेंट ये दे देना, टेक अ कस्टडी, हाँ टेक अ कस्टडी ऑफ दिस गुड्स, लेके जा। तो वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं दे रहा है, वो कार रेंटिंग पे दे रहा है, मंथली बेसिस पे दे रहा है, ऑटो डेली बेसिस या मंथली बेसिस पे रेंट पे दे रहा है, तो इस हायरिंग या रेंट चार्जेस पे जीएसटी लगता है। यहां कोई एग्जम्पशन नहीं है, यहां जीएसटी पेबल है, यहां जीएसटी पेबल है, यहां कोई एग्जम्पशन नहीं है। तो आई होप आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इन दोनों शब्दों में आपने क्लियर डिफरेंस समझ लिया हो। ओके तो ये जो रिवर्स चार्ज है, ये रिवर्स चार्ज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस को नहीं है, वो कि इसमें सप्लायर ही टैक्स देगा, कम ऑन, ये रिवर्स चार्ज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस को नहीं है, वो केस में सप्लायर ही टैक्स देगा। बेटा ये रिवर्स चार्ज जो है, ये रिवर्स चार्ज कब अप्लीकेबल है? तो ये रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल है जब आप अपना मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहे हो। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट ने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को 5% का जीएसटी रेट दिया, 5%, 5%, 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी। गवर्नमेंट ने कहा चलो यार तुम रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कर रहे हो तो 5% का जीएसटी रेट देते हैं हम आपको, लेकिन ये 5% का जीएसटी इस शर्त पे दिया, जीएसटी टैरिफ में अगर आपने आप इनफ मैच्योर हो गए तो देखो जीएसटी टैरिफ में बहुत से सर्विसेज 5% पे है, पर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है कि आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो। तो नाउ ये जो भी रेंट पे दे रहा है उस पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है, तो उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस है बेटा कि वो इनपुट और कैपिटल गुड्स के आईटीसी नहीं ले सकता। ओके वो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स के आईटीसी नहीं ले सकता, ये 5% का टैक्स देने के लिए। आई रिपीट, वो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं ले सकता। लिखना हो तो रफ में लिखना, या नीचे किस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना है मैं बताऊंगा आपको। ओके पहले समझ लो कंसेप्ट को, समझ लो तो इनपुट्स या कैपिटल गुड्स का उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ उसको इनपुट सर्विस का मिलेगा, लेकिन उसकी इनपुट सर्विस में अगर वो किसी से सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस मतलब किसी से मोटर व्हीकल रेंटिंग पे लेता है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल लेता है जिसके ऊपर जीएसटी लग के आ रहा है,
तो अगर जो वो सप्लाई कर रहा है रेंटिंग, वैसा ही सर्विस किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से लेता है, आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट आई नीड योर अटेंशन, वैसा ही सर्विस किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से लेता है, तो इसका इस पर जो भी जीएसटी दिया, ये जीएसटी वो 5% के अगेंस्ट में उसका आईटीसी ले सकता है। ये 5% के अगेंस्ट में उसका आईटीसी ले सकता है, लेकिन अदर इनपुट सर्विसेज का आईटीसी वो नहीं ले सकता, अदर इनपुट सर्विसेज का वो आईटीसी नहीं ले सकता। ये रिवर्स चार्ज आने के पहले ये स्कीम थी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, रिवर्स चार्ज आने के पहले ये स्कीम थी। मतलब क्या, इंडिया में जो भी अपने मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहा है और वो 5% वाला ऑप्शन ले रहा है, इनको 18% भी है पर 5% वाला ऑप्शन ले रहा है, तो रिवर्स चार्ज आने के पहले की सिचुएशन बता रहा हूं, तो वो 5% से डायरेक्ट देगा, सप्लायर ही टैक्स देगा। आई रिपीट, कौन टैक्स देगा बेटा? सप्लायर, सप्लायर ही टैक्स देगा। ये समझ में आया? सप्लायर ही टैक्स देगा, लेकिन आई रिपीट, लेकिन वो इनपुट का आईटीसी नहीं ले सकता, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं ले सकता, और इनपुट सर्विस का, आई रिपीट, वो इनपुट सर्विस का आईटीसी नहीं ले सकता। पर अगर सिमिलर लाइन वाली इनपुट सर्विस होगी, आई रिपीट, सिमिलर लाइन वाली इनपुट सर्विस होगी, तो वो फिर उसका आईटीसी ले पाएगा। आई रिपीट, वो उसका आईटीसी ले पाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए। तो बेटा अब देखो यहां पे वो क्या कहते हैं, अब रिवर्स चार्ज आ गया, और ये रिवर्स चार्ज जो आया 30/9/2019 को, यानी 30 सितंबर से क्या हुआ, 30 सितंबर के पहले की पोजीशन मैंने आपको सिखा दी कि क्या थी, 5% था, फॉरवर्ड चार्ज में था और उनको क्रेडिट नहीं थे। लेकिन 30 सितंबर के बाद अब क्या हुआ, 30 सितंबर के बाद इंडिया में कोई भी सर्विसेज देगा, कौन सी सर्विस देगा बेटा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, कम ऑन, अगर कोई भी सर्विसेज देगा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सर्विस देने वाला कोई एनी पर्सन होगा, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा, आई रिपीट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पेइंग सीजीएसटी और एसजीएसटी 2.5%, 2.5% मतलब 5% वाला ऑप्शन ले रहा है। तो ऐसे केस में रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में, बात सुनो मेरी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में यहां पे दो ऑप्शन है, आपको 18% भी है और आपको 5% भी है, पर आप 5% वाला ऑप्शन ले रहे हो। 5% ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विद इनपुट टैक्स रेट ओनली ऑफ इनपुट सर्विसेज इन द नेम इन इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, सेम लाइन ऑफ बिजनेस। तो ऐसे केस में अगर ये सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट को दी गई लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, यानी रिवर्स चार्ज कब लगेगा, रिवर्स चार्ज तब लगेगा अगर ये सर्विस किसको दी गई बेटा, ये सर्विस ओनली बॉडी कॉर्पोरेट को दी गई, तो वो केस में बॉडी कॉर्पोरेट उसका टैक्स पे करेगा इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। आई रिपीट, ये वर्ड हर जगह रिवर्स चार्ज में अच्छे से पढ़ने का, इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो रिवर्स चार्ज में वो बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स देगा। थोड़ा इसको और ऐसे समझाता हूं, देखो। नाउ सप्लायर ऑफ सर्विस, सप्लायर ऑफ सर्विस, उसके पास, हाँ दो सप्लायर लेता हूं, एक सप्लायर जो है पर्सन, डोंट राइट एनीथिंग, पहले पर्सन अदर देन बीसी, बीसी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, साइड में लिख दो, बीसी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, और सप्लायर एस वन, एक मिनट, वो यहां पे मोटर व्हीकल, और दूसरा बीसी बॉडी कॉर्पोरेट, और वो मोटर व्हीकल, वो मोटर व्हीकल, अगर ये किसी अनादर बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं, और किसी अदर को दे रहे हैं,
रिसिपियंट, और यहां पे रिसिपियंट अदर देन बीसी, अदर देन बीसी, ठीक है, और यहां पे रिसिपियंट अदर देन बीसी, रिसिपियंट अदर देन बीसी, समझ में आया। तो मैंने दो सप्लायर लिए, ये पहला सप्लायर S1 और ये दूसरा सप्लायर S2, एक अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर S2 बॉडी कॉर्पोरेट है। इनकी सर्विस है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। सर्विस क्या है बेटा? सर्विस है रेंटिंग, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट नहीं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल इनकी सर्विस है। तो ऐसे केस में अगर पर्सन यहां पे अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, आई रिपीट, पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट को देता है तो ही रिवर्स चार्ज है। तो ये केस में यहां पे आरसीएम अप्लीकेबल होगा, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट को देता है तो ही रिवर्स चार्ज है, और ये बॉडी कॉर्पोरेट इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, इन अ टैक्सेबल टेरिटरी है। ये डायग्राम आप ड्रॉ कीजिए बेटा, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट को देता है तो रिवर्स चार्ज है, लेकिन ये पर्सन किसी और को देता है तो रिवर्स चार्ज नहीं। वो केस में बताओ क्या अप्लीकेबल होगा? फॉरवर्ड चार्ज अप्लीकेबल होगा, मतलब वो पर्सन खुद रेंट पे टैक्स देगा, फॉरवर्ड चार्ज अप्लीकेबल होगा, फॉरवर्ड चार्ज अप्लीकेबल होगा। तो आई रिपीट, अगर सप्लाई करने वाला कोई ऐसा पर्सन है जो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और वो बॉडी कॉर्पोरेट को देगा तो ही रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा, तो ही यहां पे रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। अगर वो किसी और को देगा तो रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज में वही टैक्स देगा, 5% के ऑप्शन में वही टैक्स देगा, और यहां पे 5% के ऑप्शन में रिवर्स चार्ज आएगा। तो यहां रेट 5% ही लगेगा और यहां भी रेट रिवर्स चार्ज में 5% ही लगेगा, पर ये 5% कौन पे करेगा बेटा? रिसिपिएंट पे करेगा। इज इट क्लियर नाउ? लेकिन ये जो रिवर्स चार्ज है वो अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, आई रिपीट, अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो ये रिवर्स चार्ज ही अप्लीकेबल नहीं है, रिवर्स चार्ज उसको ही अप्लीकेबल है अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। मतलब ओके, यहां पे दोनों भी, अब ये बॉडी कॉर्पोरेट को दे या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को दे, दोनों भी फॉरवर्ड चार्ज में रहेंगे, फॉरवर्ड चार्ज में रहेंगे, और ये भी फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा, ये भी फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा, और नो डाउट रेट 5% और रेट 5%, ओके, पर वो बॉडी कॉर्पोरेट को दे या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को दे, 5% में ही टैक्स लगाया जाएगा। इज इट क्लियर? तो चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि 5% में टैक्स लगाया जाएगा। अब मैं आपको ये बता देता हूं, इन दोनों को भी अगर ये 5% वाला ऑप्शन ले रहे हैं तो इन दोनों को भी ओके, यहां पे इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस, ओके, इसकी अगर हम आईटीसी की बात करें तो इनपुट के आईटीसी नहीं मिलेंगे, कैपिटल गुड्स के नहीं मिलेंगे, और इनपुट सर्विसेज में ओके, इनपुट सर्विस में अदर होगी, लिख सकते हो आप अदर होगी तो नहीं मिलेंगे। सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस होगा, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस होगा, बिजनेस होगा तो उसका, यानी रेंटिंग होगा तो उसका आईटीसी मिल जाएगा, उसका आईटीसी मिल जाएगा। पर बेटा ये आईटीसी भी मिलने के बाद भी उसको वो आईटीसी जो इनपुट सर्विस का आईटीसी वो डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? थोड़ा मैच्योरिटी सोचो, क्योंकि उसका पार्ट सप्लाई फॉरवर्ड में है, पार्ट सप्लाई रिवर्स में है। जो पार्ट सप्लाई फॉरवर्ड में है उसमें वो प्रोपोर्शनेट आईटीसी ले सकता है, पर जो रिवर्स में है वो एग्जम माना जाता है। मेरी बात समझ में आया ना? जो रिवर्स में एग्जम्प्ट, मतलब कॉम्बिनेशन क्या हुआ, टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट, मिक्स कैटेगरी हो गया। मतलब कौन सा, T1, T2, T3 कुछ याद आया क्या, T4, उस रेशियो में उसको बायफर्गेट करना पड़ेगा। और यहां पे अगर आईटीसी अवेलेबल और आप लिखना है तो लिख देना रूल 42 इज अप्लीकेबल, रूल 42 इज अप्लीकेबल, उसको रूल 42 के हिसाब से उसको बायफर्गेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक सप्लाई जो है वो एग्जाम में जाएगा आरसीएम वाला, और दूसरा सप्लाई जो है वो यहाँ पे 5% में रहेगा, और एक ही इनपुट सर्विस का वो आईटीसी ले पाएगा और उसको भी रूल 42 अप्लाई करेगा, ठीक है।
नाउ बॉडी कॉर्पोरेट, जहां तक बॉडी कॉर्पोरेट की आईटीसी की बात है बेटा, ओके तो बॉडी कॉर्पोरेट की आईटीसी की बात है, तो बॉडी कॉर्पोरेट जो है इनपुट का नहीं ले सकता 5% के लिए, कैपिटल गुड्स का नहीं ले सकता। और जहां तक इनपुट सर्विस की बात है बेटा, तो इनपुट सर्विस में अदर होगा, अदर्स होगी तो नहीं ले सकता, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस होगा, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस होगा, बिजनेस होगा तो आईटीसी मिल जाएगा, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस होगा तो आईटीसी मिल जाएगा। और उसको बायफर्गेट करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका दोनों फॉरवर्ड चार्ज में है, तो उसको बायफर्गेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बेटा तब कब होगा जब 5%, लेकिन अगर आपके पास जगह हो, निकालो ना कहीं से भी ऐसा थोड़ी सी बहुत जगह, ओके जगह हो तो एक नोट जरूर लिखना है, अगर थोड़ी बहुत जगह हो तो, या फिर यहां स्टिकी नोट्स लगा के लिख देना, जगह हो तो लिख देना। नाउ ये लिखना, द प्रोविजन ऑफ आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल, द प्रोविजन ऑफ आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल इफ सप्लायर इज ऑप्टेड टू पे टैक्स, इफ सप्लायर इज ऑप्टेड टू पे टैक्स एट द रेट 18%, फिर ये कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, फिर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। सप्लायर इज ऑप्टेड टू पे टैक्स एट द रेट 18%, एट द रेट 18%, तो फिर ये कुछ भी अप्लाई नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट 18% ले लिया, मेरी बात समझो आप, डायरेक्ट 18% ले लिया एंड दैट्स ऑल, ओके तो 18% लेके खत्म कर दिया जाएगा, फिर उसको पूरे क्रेडिट भी मिल जाएगा। सप्लायर इज ऑप्टेड टू पे टैक्स एट 18%, 18% लेके आपने आगे लिखना विथ फुल आईटीसी, विथ फुल आईटीसी, तो वो केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। रिवर्स चार्ज तभी अप्लाई होगा जब वो 5% ले रहा है, सप्लाई करने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, डन। तो चलो ये हमारी एंट्री खत्म हुई, नेक्स्ट एंट्री है बेटा, सर्विस ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम 1997 ऑफ SBI। सर्विस देने वाला लेंडर, दैट इज अ पर्सन हु डिपॉजिट द सिक्योरिटी रजिस्टर इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड ऑन हिज बिहाफ विद द अप्रूव्ड इंटरमीडियरी फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग अंडर द स्कीम ऑफ SEBI टू बोरोवर, पर्सन लायबल टू पे टैक्स बोरोवर, दैट इज अ पर्सन हु बोरोज द सिक्योरिटीज, पर्सन हु बोरोज द सिक्योरिटीज। ध्यान से सुनिएगा, सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम 1997 के तहत, ओके एक बहुत अच्छा स्कीम ये था कि समझ लो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता हूं और मैं जब भी शेयर खरीदता हूं तो मैं ये आगे के 10-15 साल के हिसाब से शेयर परचेस करता हूं। समझ लो मैंने SBI के शेयर परचेस करके रखे और इंफोसिस के शेयर परचेस करके रखे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगले 15 साल में सच में कुछ नहीं करने वाला। अब एक दिन विजय सर मेरे पास आए और विजय सर ने कहा कि सर आपके पास SBI के शेयर पड़े हैं, ओके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर लो आप। मैंने कहा नहीं भाई, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, मार्केट फ्लक्चुएशन में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं अगले 10-15 साल जो है उसमें बिलीव करता हूँ। उसने कहा सर मेरी बात सुनो, ट्रेड कर लो उसको, बहुत आपको फायदा मिलेगा, ऐसा होगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग परचेस कर लेना, अभी बड़ा हुआ है, मार्केट गिरेगा, इकोनॉमी स्लो है, ग्रोथ GDP डाउन हुआ है, BJP ध्यान भटका रही है, BJP के यहाँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के तरफ CIB एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसके तरफ ध्यान ले जा रही है, मैं BJP के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं देश का दुश्मन नहीं हूँ और मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना विजय सर है। सो ऐसे सिचुएशन पे यहाँ पे तो सर आप बेटर एक काम करो, ओके अभी ट्रेड कर लो। मैंने कहा मैं बिलीव नहीं करता हूँ विजय। फिर विजय ने कहा सर एक काम करते हो। मैंने कहा क्या सर? आपके पास 4,000-5,000 शेयर पड़े हैं, बहुत बल्क शेयर पड़ा हुआ है आपके पास इंफोसिस और SBI का, हाँ तो सर आप मुझे लेन कर दो 6 महीने के लिए, मैं उसमें ट्रेडिंग करूंगा और आपको मैं प्रीमियम दे दूंगा उसका, या जो भी आपका लेंडिंग फीस होगी वो मैं आपको पे कर दूंगा, जो भी मुझे फायदा होगा उसका प्रीमियम आपके साथ शेयर कर लूंगा, आप मेरे डीमैट में आप डिपॉजिट कर दो, लेंडिंग कर दो और मैं उसमें ट्रेड करूंगा और 6 महीने के एंड तक जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें मैं आपके शेयर आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दूंगा। इसको कहते हैं सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम।
तो मैं हुआ लेंडर, विजय सर हुए बोरोवर। आई रिपीट, मैं हुआ लेंडर, विजय सर हुए बोरोवर। तो ऐसे सिचुएशन में अगर लेंडर सिक्योरिटीज देता है बोरोवर को और उससे प्रीमियम मिल रहा है या उससे जो फीस मिल रही है, तो वो केस में ओके यहां पे उस पे जीएसटी आएगा। आई रिपीट, उस पे जीएसटी आएगा, क्योंकि आपको अगर याद होगा तो सर्विस की डेफिनेशन कहती है एनी ट्रांजेक्शन विच फैसिलिटेट, आई रिपीट, एनी ट्रांजेक्शन विच फैसिलिटेट और अरेंजिंग द डील ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये सर्विस के डेफिनेशन में बिल्कुल आता है, जिससे जो मैं पैसा कमा रहा हूं लेंडिंग से, वो फैसिलिटेट कर रहा है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन या डील, ओके सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन का, तो डेफिनेटली उसके ऊपर जीएसटी आएगा। और उसके ऊपर बेटा यहां रिवर्स चार्ज लाया गया है। अगर लेंडर अगर बोरोवर को, आई रिपीट, लेंडर अगर बोरोवर को देगा तो रिवर्स चार्ज में ओके यहां पे उस पर ओके यहाँ रिवर चार्ज में बोरोवर को टैक्स देना पड़ेगा, यानी जो भी बोरोवर, अरे विजय सर प्रीमियम देंगे या फीस देंगे, तो रिवर चार्ज में लायबिलिटी बोरोवर पे डाली गई है, लेंडर पे नहीं डाली गई है। ये अच्छा भी किया है, क्योंकि बहुत सी बार लेंडर सैलरीड पर्सन है, बिजनेसमैन नहीं है, क्यों वो जीएसटी में रजिस्टर करे? बहुत से सैलरीड पर्सन है, डॉक्टर है, ये है वो है, करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, क्यों जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले? आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा? ओके, नाउ नेक्स्ट, इससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन है जो मैं बाद में लूंगा, पहले 9-4। हाँ, यहाँ पे लेंडर और बोरोवर, इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन भी है जो सीबीआई ने दिया है, कुछ मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं ये चैप्टर के एंड में वो क्लैरिफिकेशन भी ले लूंगा, ठीक है? उसके बाद में बेटा नेक्स्ट 9-4 के रिवर्स चार्ज में, हाँ ये 9-4 के रिवर्स चार्ज में, ये लास्ट टाइम की ही अमेंडमेंट है। लास्ट टाइम मैं फिर से ही अमेंडमेंट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस बार इस पे मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 9-4 का रिवर्स चार्ज के अमेंडमेंट्स पे। पर ख्याल रहे कि ये अमेंडमेंट लास्ट नवंबर में भी अप्लीकेबल थी और वापस इस बार रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ रेगुलर बुक्स में ये अमेंडमेंट्स नहीं आई हैं, या फास्ट ट्रैक कोर्स के इसमें ये अमेंडमेंट्स जो है मैंने अमेंडमेंट में कवर किया था पर बुक में नहीं आई है, तो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ओके, पर फिर से कह रहा हूँ ये नवंबर 2019 की अमेंडमेंट्स है, जो मैं मई के लिए वापस एक बार अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूँ। देखो वो क्या कहता है, रिवर्स चार्ज व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। आई रिपीट, ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अनरजिस्टर्ड, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन, जैसे 9-4 तो मैंने पहले भी पढ़ाया था और अभी बताता हूँ, 9-4 अमेंड हो गया है। अब मियरली अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड अगर गुड्स लेगा या सर्विस लेगा तो रिवर्स चार्ज लगेगा, ऐसा नहीं है। ओके, अब उन्होंने क्या अमेंडमेंट किया है कि अगर हम कुछ गुड्स स्पेसिफाई करेंगे और सर्विसेज स्पेसिफाई करेंगे, अब सभी गुड्स और सर्विसेज के लिए नहीं, हम कुछ गुड्स या सर्विसेज स्पेसिफाई करेंगे और अगर वो गुड्स और सर्विस के सप्लाई करने वाला अनरजिस्टर्ड होगा और लेने वाला रजिस्टर्ड होगा जो स्पेसिफाइड होगा, आई रिपीट, लेने वाला रजिस्टर्ड होगा जो स्पेसिफाइड होगा, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज रजिस्टर्ड पे लगेगा। मतलब पहली बात तो 9-4 में गवर्नमेंट क्या करेगी, 9-4 में गवर्नमेंट जो है पहले तो गुड्स और सर्विसेस नोटिफाई करेगी कि कौन से गुड्स को 9-4 लगेगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड से लेते हो तो ही रिवर्स चार्ज है, मतलब क्या, अगर वो रजिस्टर्ड से लेते हो तो रिवर्स चार्ज नहीं है। सुनो सुनो मेरी बात, अगर वो रजिस्टर्ड से लेते हो तो रिवर्स चार्ज नहीं है, किससे लेते हो, तो अनरजिस्टर्ड से लेते हो तो रिवर्स चार्ज है, रिवर्स चार्ज है। और लेने वाला जो रजिस्टर बंदा होगा वो भी हम स्पेसिफाई करेंगे और वो केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। इसके तहत गवर्नमेंट ने 3 नोटिफिकेशन इशू किए गए, सॉरी 3 केसेस उन्होंने नोटिफिकेशन में इशू की। पहली केस, वैल्यू ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज परचेज फ्रॉम रजिस्टर सप्लायर रेस देन 80%, देन लेस देन 80% एंड सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड लेने वाला प्रमोटर या बिल्डर, यू कैन ऑल्सो राइट बिल्डर, तो वो केस में लायबिलिटी जो आएगी वो प्रमोटर पे या बिल्डर पे आएगी, इन ब्रैकेट यू कैन ऑल्सो राइट बिल्डर। मतलब क्या, मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट चालू है, ये प्रोजेक्ट वाइज है बेटा, अगर कोई प्रोजेक्ट चालू है ओके बिल्डर का यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, और उसने जो परचेसेस की और परचेसेस इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज की और गवर्नमेंट ने, ये नोटिफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है पर मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है,
मतलब वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बहुत सारे नोटिफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ओके okay, सिर्फ इतना रिवर चार्ज आपके स्टैट्यूटरी अपडेट्स में दिया था लास्ट टाइम, जो मैं अभी कवर कर रहा हूँ, सिर्फ रिवर चार्ज की 3 केसेस दी थी, बाकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी हमें अप्लीकेबल नहीं है। आई रिपीट, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ भी हमें अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सो बेटा यहां पर ध्यान से सुनो, So, देखिए अब ये इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज की गवर्नमेंट कहती है आपकी मिनिमम परचेस 80% आपकी, लिखना मत कुछ, मिनिमम 80% या उससे ज्यादा 80% और मोर आपकी रजिस्टर्ड से होनी चाहिए, यानी रजिस्टर्ड सप्लायर से होनी चाहिए, और आपका 19% परचेस, सॉरी ओके हाँ वो क्या कह रहे थे, देखो लेस देन 80 मतलब डॉट 80 होगा, ओके डॉट 80 होगा तो भी चलेगा, और आपकी 20% 19 नहीं बाय मिस्टेक मैं उसको इस तरह से ले रहा था, पर ठीक है 20% परचेस आपकी अनरजिस्टर्ड से होगी तो चलेगा, अनरजिस्टर्ड से होगी तो चलेगा, रिवर चार्ज अप्लाई नहीं होगा, ये तो ठीक है। बहुत सी बार आपके लेबर पेमेंट वेजेस या जो भी कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट छोटी छोटी कभी ओके खिले का काम पड़ जाता है, इसका काम छोटी छोटी परचेस हो जाती है रिटेलर से, तो अनरजिस्टर्ड से 20% आप परचेस कर सकते हो, पर 20% से ज्यादा नहीं। तो अब लॉ क्या कहता है, ये लॉ आपको लिखना है, और अब अगर आपको कहा गया है, क्या कहा गया है कि मिनिमम 80% परचेस आपकी रजिस्टर से होनी चाहिए और 20% अनरजिस्टर से किया तो रिवर चार्ज अप्लाई नहीं होगा, रिवर चार्ज अप्लाई नहीं होगा। लेकिन आपकी अगर परचेस 60% परचेस आपकी रजिस्टर से हुई, 60% परचेस आपकी रजिस्टर से हुई, अब आपको कट ऑफ पॉइंट क्या दिया था बेटा, आपको कट ऑफ पॉइंट दिया था 80%, आपको कट ऑफ पॉइंट दिया था 80, और आपने जो है 60% परचेस ही अनरजिस्टर्ड से किया, तो ये जो 80 होने के लिए जो डिफरेंस आएगा, आई रिपीट 80 होने के लिए जो डिफरेंस आएगा, कितना डिफरेंस आएगा, एक काम करता हूं तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझो, 65% लेता हूं, 65% आपकी रजिस्टर्ड से हुई, करेक्शन कर लेना, 65% आपकी रजिस्टर्ड से हुई है, रजिस्टर्ड पर्सन से हुई है, अब इसको 80 होने के लिए कितना डिफरेंस आया बेटा, 15% और बाकी बचा हुआ 20%, बाकी बचा हुआ 20%, तो ये जो 15% डिफरेंस आया, आई रिपीट ये 15% जो डिफरेंस आया, मेरी बात समझ रहे हो आप, तो ये जो 15% डिफरेंस आया, ये जो अनरजिस्टर्ड से टू मेक इट 80, ये 15% पे आरसीएम लग जाएगा, आरसीएम एंड प्रोमोटर, प्रमोटर इज लायबल टू पे, लेकिन इस 15% पे ही लगेगा आरसीएम, बचे हुए 20% पे नो आरसीएम, अगर ये बचा हुआ 20% अनरजिस्टर्ड से तो नो आरसीएम। तो मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपकी 80% से कम परचेसेस रजिस्टर से होती है तो जो गैप है, आई रिपीट जो गैप है उसको ही आरसीएम है, ओके ये जो बाकी बचा 20% है उसको आरसीएम नहीं, मतलब ऐसा मत ले लेना 35% अंडर आरसीएम, नहीं 35% आरसीएम में नहीं होगा, जो बचा हुआ है वही आरसीएम होगा, वो केस में प्रमोटर टैक्स देगा, और ये बचा हुआ 20% कोई टैक्स नहीं देगा, क्योंकि सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट जो है कोई टैक्स नहीं देगा बेटा, सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रिवर चार्ज में टैक्स नहीं देगा, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कहती है कि आपको मिनिमम 80% तो हर बिल्डर को या प्रमोटर को रजिस्टर से खरीदना पड़ेगा, अगर उससे कम खरीद लिया तो जो बचा हुआ पोर्शन है टू मेक इट 80%, आई रिपीट टू मेक इट 80% जो बचा हुआ पोर्शन है उसका रिवर चार्ज में ओके जो डिफरेंस है टू मेक इट 80% उस पर रिवर चार्ज में जीएसटी लगाया जाएगा।
तो ये तो था बेटा इनपुट और इनपुट सर्विसेज रिलेटेड, ये था सभी इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज रिलेटेड, ठीक है। कैपिटल गुड्स नहीं, हम किसकी बात कर रहे थे, इनपुट और इनपुट सर्विसेज। दूसरा दूसरा, लेकिन अगर उस इनपुट में सीमेंट होगा, आई रिपीट, उस इनपुट में सीमेंट होगा, तो सीमेंट अनरजिस्टर्ड से खरीदा और प्रमोटर ने खरीदा तो लायबिलिटी पूरी प्रमोटर पे ही आएगी। आई रिपीट, सीमेंट अगर अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो वो इवन वैल्यू ऑफ रूपी वन उसको 80% नहीं, यानी सीमेंट आपको पूरा रजिस्टर से ही खरीदना पड़ेगा, एंटायर परचेस फ्रॉम रजिस्टर पर्सन, सीमेंट छोड़ के बाकी आय और आयस को हम 80% में ले लेंगे, पर अगर सीमेंट होगा तो पूरा का पूरा आपको रजिस्टर से खरीदना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा भी अनरजिस्टर्ड से खरीदा या एक रुपए का भी अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो वो केस में आपको रिवर्स चार्ज अप्लाई कर दिया जाएगा। और कैपिटल गुड्स को भी पूरा ऐसा ही बेटा, कैपिटल गुड्स पूरा रजिस्टर से खरीदना पड़ेगा, अगर कोई भी कैपिटल गुड्स आपने अनरजिस्टर्ड से खरीद ला तो पूरा प्रमोटर पे लायबिलिटी आ जाएगी। तो ये था बेटा जो लास्ट टाइम था, ध्यान से सुनिएगा, सीमेंट और कैपिटल गुड्स पूरा आपको रजिस्टर से ही खरीदना पड़ेगा, और इनपुट और इनपुट सर्विस 80% तक रजिस्टर से और ऊपर का अनरजिस्टर्ड से अलाउड है, पर 80% से कम आपने अगर अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो टू मेक इट 80%, वो 80% बनाने के लिए जो डिफरेंस आएगा उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगाया जाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट रिगार्डिंग टू ओके थ्री नोटिफिकेशंस ओके अंडर 9.4 जो मैंने आपको पढ़ाया। अभी प्रमोटर के लिए एक नया स्कीम आया है 1% 5%, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में आरसीएम आपको 18% का हो सकता है, सीमेंट 28% का हो सकता है अगर आप आरसीएम में टैक्स दे रहे होगे, तो ये रेट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे ये याद रख लो कि कब क्या अप्लीकेबल होगा। नाउ नेक्स्ट बेटा नोटिफिकेशन, एक क्लैरिफिकेशन, नॉट नोटिफिकेशन, एक क्लैरिफिकेशन ले लेता हूँ। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग टू टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम 1997। Whether supply of securities under securities lending scheme by lender to taxable under GST, वो तो obviously taxable है, अभी तो reverse charge भी देखा हमने, वो तो obviously taxable है। Sir, confusion क्या हुआ था बताता हूँ। देखो facts, SEBI has prescribed securities lending scheme in 1997 for the purpose of facilitating lending or borrowing of securities. Under the scheme, lender of security lend the borrower through approved intermediary to borrowers under the agreement for specified period with the condition that borrower will return the equivalent securities of the same type or class at the end of specified period along with corporate benefits accruing on the securities borrowing. The transaction takes place through electronic screen-based order matching mechanism provided by recognized stock exchange in India. This is an anonymity between lender and borrower since there is no direct agreement between them. मतलब क्या? Okay, कुछ नहीं है, वो facts explain किए कि securities lending scheme क्या होती है। जैसे मैंने विजय सर को lend कर दिया, और कुछ specified period के लिए lend कर दिया, जैसे ही वो period खत्म हो जाएगा उनको मेरी securities वापस करनी पड़ेगी और जो भी उनको benefit होगा वो मेरे साथ share करना पड़ेगा। Now, legal provision हमने देखा था, legal provision ये कहता है कि goods की definition हो। देखो क्या कहता है, सिक्योरिटीज आर डिफाइंड इन टू एच ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एंड नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 252 ऑफ द सर्विस अंडर सेक्शन। मतलब क्या? अगर आपको याद होगा तो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन जो जीएसटी में दी गई है, गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में सिक्योरिटीज नहीं आती है। देयरफॉर ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज व्हिच इन्वॉल्व डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इज नॉट अ सप्लाई ऑफ जीएसटी एंड इज नॉट टैक्सेबल। इसलिए कोई भी ट्रांजेक्शन अगर सिक्योरिटीज में होते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आते। तो क्या सिक्योरिटीज लेंडिंग करना, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सिक्योरिटीज लेंडिंग करना ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन माना जाएगा या टू फैसिलिटेट द सिक्योरिटीज माना जाएगा? हाँ, ये कंफ्यूजन आ गया था कि लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन माना जाएगा या टू फैसिलिटेट द सिक्योरिटीज माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्विस की डेफिनेशन अगर आप पढ़ते हो तो सर्विस की डेफिनेशन में लिखा है, सर्विस मीन्स एनीथिंग, मेरे साथ पढ़ना, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन और कैश बाय अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ करेंसी टू अनादर एक्सेट्रा। और एक्सप्लेनेशन दिया है, सर्विस इंक्लूड फैसिलिटेटिंग और ऑर्गेनाइजिंग द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। हाँ, सर्विस में सिक्योरिटीज एक्सक्लूड की है पर उसको फैसिलिटेट करने के लिए या उसको ऑर्गेनाइज करने के ट्रांजेक्शन जो है वो कवर किए गए हैं।
The explanation is added in the definition on 1st Feb 2019. Only clarificatory, okay, this explanation jo add kiya gaya, includes facilitating and arranging transactions, is only clarificatory in nature, does not have any bearing on the taxability of service under the discussion in past since 1-7-2017, but relate to facilitating and arranging transaction securities. Dekho, ye explanation hai, clarification tha, jo retrospective effect hoga. Now clarification, ab important part pe jao. It has been clarified that lending in securities is not a transaction in securities and does not entail disposal of securities. The activity of lending of securities would be treated as supply of service by lender. The GST is required to be discharged by lender on the fees charged in respect of lending of securities. Lending of securities ye kabhi bhi securities transaction nahi tha aur 1st July 2017 se iske upar as a service tax dena padega. Okay, ye supply of service mana jayega. Bas itna hi hai ki 1-7-2017 se 30 September 2019 tak फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स रहेगा और अभी अभी हमने एक रिवर्स चार्ज देखा था और 1-10-2019 एंड ऑनवर्ड ओके आरसीएम में उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा. ओके तो ये कभी भी ये जो था वो आउट ऑफ जीएसटी नहीं था. कमॉन, ये कभी भी आउट ऑफ जीएसटी नहीं था और उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा. इज इट क्लियर बेटा? तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज. ओके, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द अमेंडमेंट्स of this chapter, RCM and ECO. Okay, beta? Hello, friends. तो चलो डिस्कस करते हैं कुछ अमेंडमेंट्स जो कंपोजिशन लेवी में टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई में है. ठीक है, तो सबसे पहले कंपोजिशन लेवी में क्या अमेंडमेंट हुई है? बहुत एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है. ये अमेंडमेंट बस एक लाइन की, एक वर्ड की अमेंडमेंट है. इसके अलावा ये चैप्टर में कंपोजिशन स्कीम में और कोई एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स नहीं है. ओके, तो सर बताओ ये छोटी सी अमेंडमेंट्स क्या हुई है? तो ये अमेंडमेंट ये हुआ बेटा कि अगर आपको याद होगा तो कंपोजिशन स्कीम जब आप लेते हो तो कुछ शर्तें आपको पूरी करनी पड़ती है. देर आर सर्टन कंडीशंस विच यू हैव टू कंप्लाई फॉर कंपोजिशन स्कीम. डू यू रिमेंबर ऑल दोज कंडीशंस? यस, बताइए कौन सी कंडीशंस. तो पहली कंडीशंस जो है कंपोजिशन स्कीम में कि अगर आपको सेक्शन 10(1) में कुछ सर्विसेज अलाउ किया होगा, जैसे रेस्टोरेंट या 10% ऑफ प्रीसीडिंग ईयर टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, उतनी ही सर्विसेज मैन्युफैक्चरर या फिर यहाँ रेस्टोरेंट और कैटरिंग या ट्रेडर सेक्शन 10 की स्कीम में सर्विसेज दे सकता है. उससे ज़्यादा अगर वो सर्विसेज देता है तो ओके कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती है. नॉन टैक्सेबल सप्लाई करेगा, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करेगा, ईसीओ सप्लाई करेगा. और उसके बाद में उन्होंने जो एक लास्ट कंडीशन है उसमें अमेंडमेंट है. वो लास्ट कंडीशन क्या है? लास्ट कंडीशन है ये है कि अगर नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर होगे, आई रिपीट, नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर होगे तो उन्हें कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी. तो अब कौन कौन से नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर? तो या हेडिंग नंबर 210500 में ओके आइसक्रीम एडिबल आइस, ये पहले भी था और अभी भी है. उसके बाद में पान मसाला, ये पहले भी था और अभी भी है. ऐड जो हुआ है बेटा वो एरिएटेड वाटर. यस, एरिएटेड वाटर उन्होंने ऐड किया है. यानी एरिएटेड वाटर के जो मैन्युफैक्चरर है, जो मिनरल वाटर्स होते हैं, बिस्लरी वगैरह, ओके, या जो छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स आ चुके हैं, तो एरिएटेड वाटर के जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी. पर ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ मैन्युफैक्चरर पे है, ट्रेडर पे नहीं है या रेस्टोरेंट और कैटरिंग पे नहीं है. तो अगर कोई ट्रेडर या रेस्टोरेंट कैटरिंग वाला ओके एरिएटेड वाटर सप्लाई करता है तो उन्हें कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं जाएगी. आर यू वेटिंग में? तो ये था रिगार्डिंग टू कंपोजिशन स्कीम. ओके, यहाँ पे उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट जो है बेटा, नेक्स्ट ये हमने अभी देखा एरिएटेड वाटर से रिलेटेड. नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन 2-2019 था कंपोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ द सर्विसेज. ओके, आपको याद होगा
तो कंपोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ द सर्विसेज, इनको भी यहाँ पे ओके सेम रिस्ट्रिक्शन डाला है कि जैसे जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे कुछ गुड्स के लिए मैन्युफैक्चरर के थे, तो ये जो नोटिफिकेशन था कंपोजिशन लेवी फॉर सप्लायर ऑफ सर्विसेज, इनको भी ये रिस्ट्रिक्शन डाला गया है। क्या रिस्ट्रिक्शन डाला गया है कि ये जैसे पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स या फिर आइसक्रीम वगैरह सप्लाई नहीं कर सकते, उसमें भी ऐड किया गया है, और वो ऐड किया गया है एरिएटेड वाटर। यानी एरिएटेड वाटर ये दोनों जगह सेक्शन 10 की कंपोजिशन स्कीम और इस नोटिफिकेशन की जो सर्विस प्रोवाइडर के लिए कंपोजिशन स्कीम है, इसमें भी ऐड किया गया है। ओके, बस इतना सा चेंज हुआ है कंपोजिशन स्कीम में, इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। ओके, तो यहाँ हमारा एक चैप्टर खत्म होता है ओके कंपोजिशन स्कीम। इसके अलावा ओके यहाँ पे कोई अदर अमेंडमेंट्स नहीं है। वेल बेटा, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, देर इज वन क्लैरिफिकेशन इन द चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। सो नेक्स्ट चैप्टर इज टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई ये चैप्टर में जहाँ तक सेक्शन की बात है, सेक्शन 12 और सेक्शन 13 और 14 में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। ये अच्छी खबर है कि एक वर्ड की भी अमेंडमेंट नहीं है। उसके बाद में एक क्लैरिफिकेशन दिया है, जो क्लैरिफिकेशन यहाँ मैं पढ़ाने वाला हूँ। एक ही क्लैरिफिकेशन आपको अप्लीकेबल है, और ये जो क्लैरिफिकेशन है यहाँ, ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड है। वैसे तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस जो है इंस्टीट्यूट ने आपको अप्लाई नहीं करवाई है। इंस्टीट्यूट पर इस पे कवर ICAI का इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ चुका है, और CMACS जो भी स्टूडेंट्स ये अमेंडमेंट्स देख रहे होंगे, तो उनको भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस है वो अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन आपके स्टेचुरी अपडेट्स में ये क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, और ये क्लैरिफिकेशन पे मैं यहाँ स्पेशल डिस्कशन ले रहा हूँ। ओके, सो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं ओके ये क्लैरिफिकेशन पढ़ने के पहले एक थोड़ा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में यहाँ पे एक डायग्राम बना के बताऊँगा, इसका पूरा बैकग्राउंड एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद ये पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। वो डायग्राम हम नीचे दी गई स्पेस में हम ड्रॉ भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ, फिर मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर आप ओके डायग्राम नीचे बनाइए जो स्पेस दिया गया है। चलिए स्टार्ट करें। यस, नाउ एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो अभी डेवलपमेंट राइट्स या FSI है, फ्री सर्विस इंडेक्स ओके, या फिर लॉन्ग टर्म लीज, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक लैंड ओनर है जिसके पास लैंड है ओके, और एक बिल्डर या प्रमोटर है, बिल्डर या प्रमोटर। नाउ और एक लैंड ओनर है, एक लैंड ओनर है। नाउ बहुत सी बार क्या होता है, बहुत सी बार बिल्डर जो है लैंड ओनर के साथ ओके नाउ जॉइंट वेंचर में, या फिर उससे ओके डेवलपमेंट राइट्स लेता है। जैसे ये बिल्डर है जिसको यहाँ इसके लैंड पे कंस्ट्रक्शन करना है, पर लैंड खरीदना नहीं है ओके, इसलिए नहीं खरीदना है कि इतना बड़ा पैसा लैंड में क्यों एंगेज करे, उतना ही ओके पैसे कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाएगा, क्यों हम हमारा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक करें। तो वो लैंड ओनर से मिलता है, लैंड ओनर को कहता है भाई तुम्हारी बड़ी लैंड है ओके, इतना स्क्वायर फुट लैंड है, एक यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप हमें आपके लैंड के ऊपर का डेवलपमेंट राइट्स दीजिएगा। आई रिपीट ओके, डेवलपमेंट राइट दीजिए या FSI दीजिए। तो नाउ डेवलपमेंट राइट्स या FSI, इसके बारे में ओके इसके मीनिंग जो है, हमने जब रिवर्स चार्ज की अमेंडमेंट्स पढ़ी, तो रिवर्स चार्ज की अमेंडमेंट्स में हमने इसको बहुत क्लियर वे में देखा। तो नाउ यहाँ पे ये जो है ओके आइदर डेवलपमेंट राइट्स ले रहा है, या फिर सेकंड FSI ले रहा है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स,
या फिर लॉन्ग टर्म लीज मोर देन 30 ईयर्स, लॉन्ग टर्म लीज। यहां पे मोर देन 30 ईयर्स, मतलब बिल्डर कह रहा है कि भाई तेरे लैंड पे डेवलपमेंट की राइट्स हमें दे दे, या फिर FSI दे दे, या फिर तेरी लैंड हमें 30 साल से ज्यादा के लिए हमें लीज पर दे दी जाए। चलो ओनर मांग गया और ओनर ने डेवलपमेंट राइट्स दिए, फिर ओनर को कंसिडरेशन क्या, क्योंकि लैंड तो उसकी थी। तो यहाँ पे लैंड, तो इस पर जो कंस्ट्रक्शन होगा, समझ लो इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ये जो है रेसिडेंशियल स्कीम है। यस, ये रेसिडेंशियल स्कीम है, और ये रेसिडेंशियल स्कीम में 50 फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, 50 फ्लैट्स बांधे जा रहे हैं। रेसिडेंशियल स्कीम में, इसके अगेंस्ट में यहां पे बिल्डर क्या कंसिडरेशन देगा? तो बिल्डर यहां लैंड ओनर को कंसिडरेशन जो देने वाला है, कंसिडरेशन जो देगा लैंड ओनर को, भाई उसने तो डेवलपमेंट राइट्स दिए हैं, उसने FSI दिया है, ये लॉन्ग टर्म लीज पर दिया है, तो अब लैंड ओनर को कंसिडरेशन जो देगा, वो कंसिडरेशन यहां पे इस तरह से हो सकता है। पहली, अगर आपका डेवलपमेंट राइट्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा, डेवलपमेंट राइट्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा, या FSI का होगा, या नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लीज का होगा, लॉन्ग टर्म लीज का होगा, तो अगर डेवलपमेंट राइट्स FSI होगा, तो कंसिडरेशन ऐसा हो सकता है कि वो लैंड ओनर को ये कहे कि चलो जो भी मेरी स्कीम बनेगी उसमें से 20 फ्लैट और 10 फ्लैट और वॉट एवर इट मे बी मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके दे दूंगा। तो हो सकता है वो लैंड ओनर को कंस्ट्रक्शन सर्विस दे दे, कंस्ट्रक्शन सर्विस दे दे, कुछ फ्लैट उसको कंस्ट्रक्ट करके दे दे ये स्कीम में, या फिर कंसिडरेशन, या फिर कंसिडरेशन मनी में दे दे, मनी में दे दे। अगर उसने लीज पे लिया होगा, चलिए हम दूसरी बात पे आते हैं, अगर लॉन्ग टर्म लीज पे लिया होगा, तो नाउ उसे वो प्रीमियम, सलामी, जो भी अमाउंट होगी, प्रीमियम हो, सलामी हो, एक्सेट्रा, जो भी है वो उसको पेमेंट कर रहा है और कंसिडरेशन दे रहा है। अब पहला सवाल, क्या लैंड ओनर ने जो डेवलपमेंट राइट्स दिए यहाँ पे बिल्डर या प्रमोटर को अगेंस्ट दिस कंसिडरेशन, क्या उसे सर्विस माना जाएगा? यस बेटा, इसे सर्विस माना जाएगा। कम ऑन, यहाँ पे इसे सर्विस माना जाएगा। और ये सर्विस, क्योंकि सर्विस मीन्स एनीथिंग, डेवलपमेंट राइट देना एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो इसे सर्विस मान लिया जाएगा। चलो अच्छी बात है, इसे सर्विस मान लिया जाएगा। फिर इसकी वैल्यू क्या होगी? तो नाउ इसकी वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू रूल 27, कम ऑन, रूल 27 से निकाली जाएगी, ये वैल्यू रूल 27 से निकाली जाएगी। चलो अज्यूम करते हैं कि रूल 27, वेयर कंसिडरेशन नॉट ओनली इन मनी, कंसिडरेशन कुछ अदर ही मिला, तो रूल 27 से वैल्यूएशन किया जाएगा। अब रूल 27 से अज्यूम करते हैं इसकी वैल्यू जो निकली वो 2 करोड़ निकली। कितने निकली बेटा? 2 करोड़, इतनी वैल्यू इसका निकाला गया। रूल 27 अप्लाई करके अज्यूम करते हैं ना। अब आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा। सर कौन सी बात? अगर आपको याद होगा तो रिवर्स चार्ज में, आई रिपीट, रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी जो आती है, अगर डेवलपमेंट राइट्स होगा, FSI होगा, या लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की जिम्मेदारी बिल्डर या प्रमोटर की होगी। फॉर डेवलपमेंट राइट्स RCM इज अप्लीकेबल, यहाँ RCM अप्लीकेबल किया जाएगा, और उसका टैक्स जो है यहाँ पे बिल्डर या प्रमोटर को दिया, बिल्डर और प्रमोटर उसका टैक्स पे करेगा। इज इट क्लियर? चलो ये बात तो है। अब सवाल है कि अगर इसकी वैल्यू 2 करोड़ निकली डेवलपमेंट राइट्स की, FSI की, या लीज का जो प्रीमियम अमाउंट है,
अगर इसकी वैल्यू 2 करोड़ निकली तो क्या पूरे 2 करोड़ पे रिवर्स चार्ज लगेगा क्या? नहीं, पूरे 2 करोड़ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो फिर क्या? तो फिर यहाँ एक एग्जम्पशन है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो एग्जम्पशन पढ़ना जरूरी है टू गेट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सर्कुलर। तो वो एग्जम्पशन क्या है? ओके, सुनिएगा, वो एग्जम्पशन ये है बेटा यहाँ पे कि जब ये बिल्डर बायर को फ्लैट सेल करेगा, ओके, बिल्डर जो है ओके, प्रोजेक्ट होने के बाद या प्रोजेक्ट के बायर को फ्लैट सेल करेगा, तो ये सेल करते वक्त 2 चीजें हो सकती है। क्या? एक इंटेंडेड फॉर सेल बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर एंड एक सेल ऑफ फ्लैट आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। तो एक बिफोर होगा और आफ्टर होगा। तो बेटा अगर बिफोर होगा, अगर आपको याद होगा तो बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लेट अज्यूम 30 फ्लैट्स ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले बेचे गए और 20 फ्लैट जो है आफ्टर बेचे गए। तो अब अगर ये फ्लैट 30 फ्लैट्स पहले बेचे गए, देन टैक्स इज पेबल बाय बिल्डर। और ये 20 फ्लैट्स, तो यहां पे नो टैक्स इज पेबल बाय बिल्डर, नो टैक्स इज पेबल बाय बिल्डर। तो कम ऑन, थोड़ा ये बात को समझिएगा। अब गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि बिल्डर अगर यहां पे ये 30 फ्लैट पे यहां जीएसटी देने वाला है, कमॉन, ये 30 फ्लैट पे जीएसटी और रेसिडेंशियल स्कीम में, और अब आपको बताया है कि रेसिडेंशियल स्कीम में आपने ऑफिस में काम किया होगा तो नए रेट आए हैं पर विदाउट ITC आया है। तो यहाँ एक एग्जम्पशन भी है, आपको डिटेल में नहीं जाना है पर मैं बता देता हूँ यहाँ एग्जम्पशन क्या है। जो 30 फ्लैट आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले बेचे उसके ऊपर आप जीएसटी ले रहे हो, और जीएसटी ले रहे हो तो उतना प्रोपोर्शनेट आपने ये लैंड ओनर से, यानी इस बिल्डर ने डेवलपमेंट करने के लिए लैंड ओनर से जितने राइट्स लिए हैं, 30 फ्लैट के प्रोपोर्शनेट उतना वो डेवलपमेंट राइट्स की वैल्यू एग्जम कर दी जाएगी, उतना एग्जम कर दी जाएगी। और जो अनबुक फ्लैट थे इसे हम बुक फ्लैट कहेंगे और इसको हम अनबुक फ्लैट कहेंगे। सो जो अनबुक फ्लैट थे, कितने अनबुक फ्लैट थे बेटा? 20 फ्लैट। तो ये 20 फ्लैट जो है इससे रिलेटेड ही डेवलपमेंट राइट्स का टैक्स पे किया जाएगा बाय बिल्डर या प्रमोटर, बस इससे रिलेटेड पे किया जाएगा। जो बुक, जो ऑलरेडी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले बुक हो चुके हैं उसका प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट राइट्स का टैक्स नहीं पे किया जाएगा। ये एग्जम्पशन है, मैं कह रहा हूं मान लो, इससे ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहां पे ध्यान से सुनिएगा सॉरी तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे हमारा जो रेशियो आया है वो रेशियो आया 3:2। तो आपकी डेवलपमेंट राइट्स की वैल्यू जो है वो 3:2 में आपको डिवाइड करनी पड़ेगी, यानी ये 2 करोड़ जो है वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3:2 में। मतलब वैल्यू रिलेटेड टू बुक फ्लैट
ओके, वैल्यू रिलेटेड टू बुक फ्लैट। और यहाँ पे मैं बुक फ्लैट क्यों कह रहा हूँ, बुक फ्लैट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंप्लीशन के डेट को देखा जाएगा कितने बुक हो गए थे और कितने अनबुक हुए थे। तो ऐसे सिचुएशन में बुक फ्लैट प्रोपोर्शनेट वैल्यू कितनी आएगी, अगर आपने 3:2 में डिवाइड किया तो मेरे हिसाब से प्रोपोर्शनेट वैल्यू जो आएगी यहाँ पे 1.2 आना चाहिए। ठीक है, देख लेता हूँ। हाँ 1.2, तो ओके 1.2 करोड़, 1.2 करोड़। और तो ये जो 1.2 करोड़ है इसको गवर्नमेंट ने एग्जम कर दिया है, इसको गवर्नमेंट ने एग्जम कर दिया है, मतलब इतने डेवलपमेंट राइट्स पे, कम ऑन ध्यान से सुनिएगा, इतने डेवलपमेंट राइट्स पे कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू रिलेटेड टू अनबुक अनबुक फ्लैट यानी 0.8 CR, तो ये 0.8 CR पे टैक्स पे किया जाएगा और ये 0.8 CR पे RCM लग जाएगा। आई रिपीट, ये 0.8 CR पे RCM लग जाएगा। तो ऐसे केस में आपको नाउ RCM में GST पे करना पड़ेगा और ये GST 0.8 CR इंटू 18% इस रेट से GST लगाया जाएगा। तो नाउ 80 लाख इंटू 18% कितना होता है भाई, सो यहां पे 80 लाख इंटू 18%, ओके आपका होता है 14,40,000, तो 14,40,000 इतना आपको GST पे करना पड़ेगा। नाउ अब दूसरा सवाल है, इसका TOS कब होगा, टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा। तो नाउ इसका टाइम ऑफ सप्लाई, अब नॉर्मली रिवर्स चार्ज में जब आप टैक्स पे करते हो तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा सेक्शन 13(3) से डिसाइड होता है। सेक्शन 13(3) क्या कहता है, ओके अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 13(3) कहता है कि जिस दिन, ध्यान से सुनिए, सेक्शन 13(3) कहता है कि जिस दिन आपने यहाँ पे पेमेंट किया, ओके या फिर 61th डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। लेकिन यहाँ सेक्शन 13(3) अप्लाई नहीं होगा, यहाँ CBI से ने क्लियर किया है कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई हम जो कहेंगे उस वक्त आएगा एंड 13(3) के हिसाब से नहीं आएगा। ओके मींस, ओके इट शैल नॉट बी डिसाइडेड, इट शैल नॉट बी, तो ये सर्कुलर सिर्फ TOS का है, यानी ये TOS को समझने के लिए ये सर्कुलर दिया गया है। तो ओके टाइम ऑफ सप्लाई, तो ये आएगा पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स शैल नॉट बी एज पर सेक्शन 13, जस्ट अ मिनट, पेमेंट ऑफ टैक्स शैल बी कब दिया जाएगा, टैक्स यहां पे चल भी, पहले तो यहाँ लिख दो सेक्शन 13। अच्छा मैं चार्ट में, जब आप ड्रॉ करोगे तभी लिखना सेक्शन 13(3) नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल पेमेंट ऑफ टैक्स शल अराइज ऑन, ओके क्या कहा है उन्होंने, ओके यहाँ पे मैं थोड़ा इस वर्ड को देख के बताता हूं, पेमेंट ऑफ टैक्स शैल बी ऑन ऑन द डेट, ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑन डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑन द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, विच एवर ऑक्यूपेशन ऑफ प्रोजेक्ट, विच एवर इज अर्लियर,
डब्ल्यू आई ई मतलब विच एवर इज अर्लियर, तो इस तरह से उसका टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स किया जाएगा। तो ये था बेटा रिगार्डिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई। एक बार फिर से देखिएगा, अगर कोई लैंड ओनर अपने डेवलपमेंट राइट्स या एफएसआई या फिर प्रीमियम ओके जो लीज है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का बिल्डर को देता है तो वो उसके ऊपर टैक्स आएगा, लेकिन टैक्स में एग्जम्पशन भी दिया गया है। ओके, क्या एग्जम्पशन दिया गया है? तो एग्जम्पशन ये दिया गया है कि ओके जितना फ्लैट बुक हुआ कंप्लीशन के पहले उतना प्रोपोर्शनेट ओके डेवलपमेंट राइट्स की वैल्यू एग्जम कर दी जाएगी, लेकिन जो अनबुक था उस पर टैक्स दिया जाएगा। रिवर्स चार्ज में टैक्स जो है वो बिल्डर पे करेगा। तो वो टैक्स जो पे करेगा ओके यहाँ पे रिवर्स चार्ज में, उसका टीओएस सेक्शन 13(3) से फिक्स नहीं किया जाएगा। उसका टीओएस जो फिक्स किया जाएगा वो ओके जिस दिन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर ओके उस दिन बचे हुए 0.8 करोड़ पे रिवर्स चार्ज में टैक्स दिया जाएगा। तो ये था बेटा पूरा यहाँ पे ओके एक्सप्लेनेशन। अब आप ये डायग्राम नीचे दिए गए स्पेस में यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, पर अगर यहाँ स्पेस नहीं होगा तो एक आप नोटबुक का पेज लीजिएगा, आपके रजिस्टर का पेज लीजिएगा, वहाँ अच्छे ढंग से ड्रॉ करके यहाँ अटैच कर दीजिएगा। भाई बात आई आपको समझ में? तो चलिए, तो अब मैं आपको ये ड्रॉ करने के लिए टाइम देता हूँ। ओके आपको 5 मिनट मिलेंगे, फटाफट आपको ड्रॉ कर लेना है। और मेन इशू जो है वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का है, और उसके बाद हम उसके ओके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, टैक्स पढ़ लेंगे और यहाँ पे ये डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। चलिए,
सो चलिए आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर ली होगी. ओके और यहाँ पे आई एम गोइंग टू रीड दिस क्लैरिफिकेशन. देखिए ये क्या कहता है क्लैरिफिकेशन. विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019 सप्लाई ऑफ सर्विस बाय लैंड ओनर टू डेवलपर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स और FSI और ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट अंडरलाइन हैव बीन एग्जम्प्टेड सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स आर सोल्ड बिफोर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर इज अर्लियर एंड टैक्स पेड ऑन देम. हम ये आपसे बात करना चाहते हैं कि 1 अप्रैल 2019 से अगर किसी लैंड ओनर ने डेवलपमेंट राइट्स प्रमोटर या बिल्डर को दिए, हो सकता है डेवलपमेंट राइट्स दिया हो, FSI दिया हो, लॉन्ग टर्म लीज दिया हो और रेसिडेंशियल अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया हो, तो बिल्डर जितना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले फ्लैट बेचेगा वो स्कीम में उसका प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट राइट्स या लीज कब अमाउंट एग्जम कर दिया जाएगा. हमने डिवाइड भी किया 3:2 में. आई बात समझ में? चलिए उसके बाद में वो क्या कहते हैं. सच एग्जम्पशन ऑफ TDR, FSI, लॉन्ग टर्म लीज शैल नॉट बी अवेलेबल इन केस ऑफ फ्लैट विच रिमेन्स अनबुक ऑन द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर इज अर्लियर. लेकिन क्या रहे, जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, उस दिन अगर फ्लैट में कुछ अनबुक फ्लैट्स हुए, मतलब वो फ्लैट जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद बेचे जाएंगे, जैसे हमने 3:2 में डिवाइड किया था, 20 फ्लैट जो है अनबुक थे जिसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद बेचा जाएगा, तो नाउ वहाँ ये एग्जम्पशन नहीं लगेगा और वो 20 फ्लैट से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट राइट्स की वैल्यू होगी उस वैल्यू पे GST देना पड़ेगा. इज इट क्लियर? आगे देखिए वो क्या कहते हैं. द प्रमोटर शैल लायबल टू पे टैक्स एट अप्लीकेबल रेट ऑन रिवर चार्ज बेसिस. और उस 80 लाख पे रिवर चार्ज बेसिस पे टैक्स देना पड़ेगा. जो भी वैल्यू आएगी या अपफ्रंट अमाउंट वैल्यू आएगी व्हाट एवर इट मे बी. इन व्यू ऑफ अबव चेंज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2009 स्पेशल प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स हैज बीन लेड डाउन फॉर फॉलोइंग क्लासेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन नेमली प्रमोटर हु रिसीव्स अ डेवलपमेंट राइट्स और FSI ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट अगेंस्ट द कंसिडरेशन पेड बाई हिम वोल्ली और पार्टली इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस ऑफ कमर्शियल और रेसिडेंशियल अपार्टमेंट इन प्रोजेक्ट और इन एनी अदर इंक्लूडिंग कैश. और प्रमोटर हु रिसीव्स लॉन्ग टर्म लीज आफ्टर 1/4/2019 एंड कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट एंड अमाउंट इज पेएबल अपफ्रंट अमाउंट सलामी और एक्सेट्रा. तो नाउ हम ये कहना चाहते हैं कि 1/4/2019 के बाद यहाँ पे जो पेमेंट करने की लायबिलिटी रहेगी ये दो केसेस में, मतलब हमने डेवलपमेंट राइट्स दिए होंगे जिसके अगेंस्ट में हम उन्हें कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहे हैं, कुछ फ्लैट कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं या कैश में मनी में पैसा दे रहे हैं या हमने लॉन्ग टर्म लीज ली है और लॉन्ग टर्म लीज के अगेंस्ट में हम उन्हें कुछ अमाउंट दे रहे हैं, तो अब इसकी पेमेंट करने का जो डेट रहेगा वो स्पेशली इस सर्कुलर के हिसाब से रहेगा, ना कि RCM के तहत सेक्शन 13(3) के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा. तो बताइए भाई क्या रहेगा. फॉर सच पर्सन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है. लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन कंसिडरेशन पेड बाई हिम फॉर कंस्ट्रक्शन सर्विस या मोनेटरी कंसिडरेशन टू फॉर डेवलपमेंट राइट और FSI या लॉन्ग टर्म लीज का जो सलामी पे करना है या सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट राइट्स FSI. ये वाली लाइन अंडरलाइन करो. शैल अराइज ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर. तो जो भी हम कंसिडरेशन दे रहे हैं, कंसिडरेशन यहाँ पे बिल्डर हो सकता है वो डेवलपमेंट राइट्स के फॉर्म उनको कंस्ट्रक्शन करके दे या पैसा दे या लॉन्ग टर्म लीज का पैसा दे, तो इसका जो GST पे करने की जिम्मेदारी RCM में जो आएगी उस दिन आएगी जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर. सो 80 लाख पे RCM में टैक्स पे करने की जिम्मेदारी जो होगी वो
ओके, कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट को जिस दिन मिलेगा या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, उस दिन उसकी लायबिलिटी डिटरमाइन किया जाएगा. ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ओके दिस इंपॉर्टेंट सर्क्यूलर अंडर टाइम ऑफ सप्लाई. इज इट ओके बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई. फिर से मैं कह दूं, बस दो ही एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन इसमें आए हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में. जहां तक सेक्शन और रूल्स की बात है तो सेक्शन और रूल्स में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, ये खुशखबर आपके लिए है. चलिए तो इसमें दो नए क्या क्लैरिफिकेशंस आए हैं वो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं. पहला क्लैरिफिकेशन इंटरेस्ट के लिए है, और अगर आप पेज टर्न करते हो तो फिर दूसरा क्लैरिफिकेशन एयरपोर्ट लीवीज, जो प्योर एजेंट के बेस पे यहाँ क्लैरिफिकेशन दिया गया है उसके ऊपर, एयरपोर्ट लीवी पे ये क्लैरिफिकेशन आया है. नाउ बेटा मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, पहले मैं एयरपोर्ट लीवी वाला क्लैरिफिकेशन ले लेता हूँ. और पहला क्लैरिफिकेशन जो है यहाँ पे मैंने रेगुलर बैच में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो क्लैरिफिकेशन का वीडियो ओके इमीडिएट इसके साथ ही अटैच कर दिया जाएगा, जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने रेगुलर क्लास लिया उसमें. तो चलो पहले दूसरा वाला क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसके बाद में हम देखेंगे तो फर्स्ट क्लैरिफिकेशन दैट इज रिगार्डिंग टू इंटरेस्ट. सो चलिए बेटा यहाँ पे ये सेकंड क्लैरिफिकेशन क्या कहता है, क्लैरिफिकेशन ऑन इश्यू ऑफ GST ऑन एयरपोर्ट लीवीज, सर्कुलर नंबर 115/34/2019. एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ के जाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है. ये क्लैरिफिकेशन क्या है ना, देखिए, पैसेंजर सर्विस फीस इज चार्ज अंडर रूल 88 ऑफ एयरक्राफ्ट रूल 1937 अकॉर्डिंग टू विच एयरपोर्ट लाइसेंस में एयरपोर्ट लाइसेंसी में कलेक्ट PSF एन ए पैसेंजर सर्विस फी फ्रॉम एम्बार्किंग पैसेंजर एट सच रेट एस मे बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट. अकॉर्डिंग टू रूल्स द एयरपोर्ट लाइसेंसी शैल यूटिलाइज द सेड फीस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटेशन ऑफ द पैसेंजर. सो यर एयरपोर्ट लाइसेंसी, आप इसे और एक नाम लिख सकते हो, दैट इज एयरपोर्ट ऑपरेटर. एयरपोर्ट ऑपरेटर, भाई सर ये एयरपोर्ट ऑपरेटर क्या होते हैं? ये एयरपोर्ट ऑपरेटर जो होते हैं, जैसे ओके यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये पूरा एयरपोर्ट डेवलप करते हैं. सहारा, ये पूरा एयरपोर्ट डेवलप करते हैं. या फिर मिहान एक्सेट्रा, ऐसे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं. तो नाउ रूल 88 ऑफ एयरक्राफ्ट रूल ये कहता है कि ये जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है जिनको लाइसेंस दिया गया एयरपोर्ट चलाने का, वो PSF मतलब पैसेंजर ओके सर्विस फीस कलेक्ट कर सकते हैं जो भी पैसेंजर वहाँ पे आएंगे. वो कितनी फीस होगी, तो फीस के अमाउंट जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो फीस का अमाउंट उन्होंने कलेक्ट करना चाहिए. आई बात समझ में? नाउ फर्दर यूजर डेवलपमेंट फीस इज लेविड अंडर रूल 89 ऑफ एयरक्राफ्ट रूल 1937 विच प्रोवाइड्स दैट द लाइसेंसी में लेवी एंड कलेक्ट एट मेजर एयरपोर्ट द यूजर डेवलपमेंट फी एट सच रेट एज मे बी डिटरमाइन अंडर सेक्शन 31B. ना उसके साथ साथ वो यूजर डेवलपमेंट फीस भी कलेक्ट कर सकते हैं ओके कुछ मेजर एयरपोर्ट पे ओके ये UDF कलेक्ट किया जाता है. Though the rule does not prescribe specific purpose of levy, whether it is to be charged from airline or to passenger, लेकिन ये user development fees जो है ये passenger को charge करना चाहिए या airline company को charge करना चाहिए, rules में कहीं नहीं कहा गया है. However, it's seen from section 2N of Airport Economic Regulatory Authority of India 2008 that authority which manage the airport is eligible to levy and charge UDF from embarking passenger. लेकिन ओके नाउ एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से ये जो UDF है, उन्होंने जो पैसेंजर एम्बार्किंग जो ओके यहाँ पे ओके एयरलाइन
पे जा रहे हैं उन पैसेंजर से ये कलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अब जैसे ये जो एयरक्राफ्ट ऑपरेटर होते हैं, सॉरी एयरपोर्ट ऑपरेटर होते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या मिहान हुआ या फिर जो भी एयरपोर्ट ऑपरेटर है, ओके, इनका तो पैसेंजर से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं आता है, क्योंकि जब पैसेंजर एंटर होता है तो डायरेक्ट टिकट खरीदता है, टिकट एयरलाइन कंपनी से खरीदता है। अब एयरलाइन कंपनी से टिकट, तो ऐसा तो नहीं होगा कि टिकट उनसे लिया फिर एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर को अलग से पैसा दिया, ये थोड़ी मुश्किल जाएगी। तो फिर ये पैसा कैसे कलेक्ट करना, यानी पैसेंजर सर्विस फीस या UDF, ये पैसा जो है वो पैसेंजर जो एयरपोर्ट पर आए हैं उनसे वो कैसे कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जो जिसने एयरपोर्ट बनाया है वो तो ये पैसा लेगा पैसेंजर से। तो फिर ऐसे केस में एयरलाइन कंपनी जैसे इंडिगो हुआ या गो एयर हुआ या जो भी एयरलाइन कंपनी हुई, वो एयरलाइन कंपनी को कहा जाता है कि ये जो PSF और UDF है आप टिकट देते वक्त कस्टमर से कलेक्ट कर कीजिएगा। आई रिपीट, आप टिकट देते वक्त कस्टमर से कलेक्ट कीजिएगा। ओके, क्या कलेक्ट कीजिएगा, तो PSF और UDF आप कस्टमर से लीजिएगा और हमें वो कस्टमर से लेके हमें दीजिएगा। मतलब एयरलाइन कंपनी को, ओके, यहाँ पे एजेंट बनाया जाता है, आई रिपीट एजेंट, कि भाई हमारे भी आप पे आप कस्टमर से लो और हमें वापस कर, हमें वो वापस करो। तो एयरलाइन कंपनी जो है ठीक है, कहती है कि ओके कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे पैसेंजर को जब टिकट देंगे तो वो टिकट में ही आपके PSF या UDF कलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो एयरलाइन कंपनी को एज अ एजेंट बनाया गया। दूसरी बात, एयरलाइन कंपनी जो है, ओके, ये चार्जेस कलेक्ट करने के लिए, आई रिपीट एयरलाइन कंपनी ये चार्जेस कलेक्ट करने के लिए ₹5, ओके, एज अ कमीशन चार्ज करती है या कलेक्शन चार्जेस लगाती है। तो अब कुछ सवाल इसके अंदर आए हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर खड़े हुए हैं। क्या खड़े हुए हैं, पहला, वेदर GST इज ऑन एयरपोर्ट लेवी, मतलब ये PSF या UDF जो एयरपोर्ट की लेवी है, जो एयरपोर्ट ऑपरेटर लगाते हैं, लाइसेंस ही लगाते हैं, क्या उसके ऊपर GST आएगा? ऑब्वियसली बेटा GST आएगा, क्योंकि ये सर्विस है, ये चार्जेस है, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चार्जेस लगाए गए तो इस पर सर्विस आएगा। तो एयरपोर्ट लेवी डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एयरलाइन एंड कॉन्सिक्वेंटली नो GST शुड बी चार्ज बाय एयरलाइन कंपनी ऑन एयरपोर्ट लेवी। दूसरी यहाँ इशू था कि एयरलाइन कंपनी जब टिकट चार्जेस लगाती है तो वो टिकट के पैसे जब कस्टमर से लेती है तो उसके साथ साथ, ओके, यहाँ पे PSF या UDF भी लेती है, तो क्या ये PSF और UDF एयरलाइन कंपनी की वैल्यू मानी जाएगी या एयरलाइन कंपनी ओनली प्योर एजेंट माना जाएगा? आई रिपीट, क्या ये एयरलाइन कंपनी की वैल्यू मानी जाएगी या ओनली उन्हें प्योर एजेंट माना जाएगा? आपको क्या लगता है? तो नाउ इसके लिए कुछ लीगल प्रोविजन यूज की गई है। पहला तो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन की डेफिनेशन याद होगी आपको, तो नाउ कंसिडरेशन जो है, ओके, मनी या अदरवाइज एक्ट या फॉरबियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई। इसलिए अगर हम कंसिडरेशन की डेफिनेशन देखें तो PSF और UDF चार्जेज जो एयरपोर्ट ऑपरेटर लगाता है, ओके, नो डाउट वो कंसिडरेशन माना जाएगा और वो कंसिडरेशन माना जाएगा तो GST आएगा। दूसरी बात, प्योर एजेंट की डेफिनेशन आपको अगर याद होगी तो प्योर एजेंट के डिडक्शन मिलते हैं, ओके, चार शर्तों पे। क्या? तो पहली शर्त, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे, ओके, उसने अपना टाइटल होल्ड नहीं करना चाहिए। तीसरा, ओके, अपने ओन इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं करना चाहिए और उसने उतना ही एक्चुअल अमाउंट रिकवर करना चाहिए जितना वो इनकर्ड हुआ। तो एयरलाइन कंपनी ने जब PSF और UDF चार्जेस लिए कस्टमर से टिकट इशू करते वक्त, तो क्या एयरलाइन कंपनी को उस चार्जेस के लिए यहाँ पे प्योर एजेंट माना जाएगा? अगर उन्हें प्योर एजेंट माना जाएगा तो नाउ वो PSF और UDF एयरलाइन कंपनी के वैल्यू में ऐड नहीं किया जाएगा। ओके, उसका GST एयरक्राफ्ट ऑपरेटर जो होगा वह एयरक्राफ्ट ऑपरेटर उसका GST पे करेगा। सो क्लैरिफिकेशन देखिए क्या आया, क्लैरिफिकेशन ये आया कि एयरलाइन कंपनी एक्टिंग एज एन प्योर एजेंट प्रोवाइडेड ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ओके, ये कहा गया कि एयरलाइन कंपनी तो भाई प्योर एजेंट है। ओके, अ पैसेंजर शुड बी सेपरेटली इंडिकेट अ PSF एंड UDF एंड GST पेबल ऑन सच PSUDF बाय एयरपोर्ट लाइसेंसी। अगर एयरलाइन कंपनी टिकट का पैसा लेते वक्त UDF और PSF
सॉरी हाँ पीएसएफ और यूडीएफ ये टिकट में अलग से बताती है ओके क्योंकि प्योर एजेंट का एक कंडीशन है कि आपने जो भी पैसा लिया एज अ प्योर एजेंट वो आपके बिल में अलग से बताओ। अगर अलग से बताती है तो वो एयरलाइन कंपनी प्योर एजेंट मानी जाएगी और उसका टैक्स एयरलाइन कंपनी नहीं पे करेगी, उसका टैक्स जो है एयरक्राफ्ट ऑपरेटर ही पे करेगा। दूसरी, एयरलाइन शैल नॉट टेक आईटीसी ऑफ जीएसटी पेबल ऑन पीएसएफ एंड यूडीएफ। ऑब्वियसली अगर एयरलाइन कंपनी उसको प्योर एजेंट की डिडक्शन क्लेम कर रही है तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। एयरलाइन वुड ओनली रिकवर द एक्चुअल पीएसएफ एंड यूडीएफ ओके एक्चुअल बेसिस पे पीएसएफ यूडीएफ एंड जीएसटी पेबल ऑन सच पीएसएफ और यूडीएफ बाय एयरलाइन ऑपरेटर। द अमाउंट सो रिकवर्ड विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड बाय एयरलाइन टू इट्स पैसेंजर। ये समझ में आया। नेक्स्ट, एयरपोर्ट ऑपरेटर शैल पे जीएसटी, हाँ उसका जीएसटी एयरपोर्ट ऑपरेटर पे करेगा ओके कलेक्टेड फ्रॉम द पैसेंजर थ्रू एयरलाइंस। सिंस एयरपोर्ट ऑपरेटर आर कलेक्टिंग पीएसएफ एंड यूडीएफ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, हाँ जो भी पीएसएफ और यूडीएफ कलेक्ट किया गया है ओके किसके थ्रू कलेक्ट किया गया है, एयरलाइन कंपनी के थ्रू कलेक्ट किया गया है तो वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा। तो ऑब्वियसली उसका जीएसटी जो है वो ऑपरेटर ही पे करेगा और कलेक्शन चार्जेस पेड बाय एयरपोर्ट ऑपरेटर। लेकिन यहाँ पे एयरलाइन कंपनी ने कितना, ₹5 का कलेक्शन चार्जेस एयरपोर्ट ऑपरेटर को लगाया, तो ₹5 जो एयरपोर्ट चार्जेस लगाया वो ₹5 पे यस एयरलाइन कंपनी जीएसटी पे करेगी ओके और वो गवर्नमेंट को देगी। तो चलिए इसको थोड़ा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज में एक पिक्चर दिया गया है, इस पिक्चर को हम ओके इस तरह से डिवाइड करते हैं। एक है एयरपोर्ट ऑपरेटर, एयरपोर्ट ऑपरेटर और लाइसेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सहारा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरा एयरलाइन कंपनी, एयरलाइन कंपनी एग्जाम्पल के तौर पे ले लो इंडिगो, और तीसरा जो है पैसेंजर्स। लिखिएगा, आप भी लिखिएगा पैसेंजर्स। ठीक है, तो अब एयरलाइन कंपनी जब यहां पे टिकट देगी तो वो टिकट देते वक्त वैल्यू ऑफ टिकट ₹5,000 और पीएसएफ या यूडीएफ ये ₹200, ₹5,200। लेकिन जब जीएसटी लगेगा, एयरलाइन कंपनी जब जीएसटी पे करेगी अज्यूम एट द रेट 5%, तो ये जीएसटी ₹5,000 ही लगाया जाएगा। यस ओनली ऑन 5,000 यानी 250। और ये जो पीएसएफ और यूडीएफ है, यहां लिखिएगा डिडक्टिबल एज प्योर एजेंट, डिडक्टिबल एज द प्योर एजेंट, मतलब वो एयरलाइन कंपनी के वैल्यू में ऐड नहीं किया जाएगा, उन्हें डिडक्शन मिलेगा और वो डिडक्शन एज अ प्योर एजेंट दिया जाएगा। नाउ ये ₹200 वो यहां पे किसको देगी बेटा, ये ₹200 पीएसएफ या यूडीएफ ट्रांसफर टू ए एयरपोर्ट ऑपरेटर, एयरपोर्ट ऑपरेटर एंड जीएसटी इज पेबल बाय एयरपोर्ट ऑपरेटर ऑपरेटर, वो जो है ₹200
इनटू, हाँ इसका रेट 18% रहेगा मुझे ऐसा लगता है। तो इनटू 18 डिवाइडेड बाय 118, तो जो भी टैक्स आएगा ये एयरपोर्ट ऑपरेटर उसका टैक्स पे करेगा, पीएसएफ और यूडीएफ। लेकिन एयरलाइन कंपनी जो है यहाँ पे ये इसके कलेक्शन चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस ₹5 ये लगा रही है। तो ये कलेक्शन चार्जेस ₹5 का जीएसटी एयरलाइन कंपनी पे करेगी, जीएसटी 5 × 18% जो भी आएगा बेटा देख लो कितना आता है, 5 × 18% जीरो पॉइंट नाइन पेबल बाय एयरलाइन कंपनी, एयरलाइन कंपनी ये ₹5 का जीएसटी एयरलाइन कंपनी पे करेगी, जिसका आईटीसी, आईटीसी जो है अवेलेबल टू एयरपोर्ट ऑपरेटर, जिसका आईटीसी एयरपोर्ट ऑपरेटर को दे दिया जाएगा। तो ये डायग्राम है, इसे बना लीजिएगा आप फटाफट फटाफट। चलिए तो ये हुआ ये क्लैरिफिकेशन। अब आइए फर्स्ट क्लैरिफिकेशन जो दिया गया है, और ये फर्स्ट क्लैरिफिकेशन हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड वीडियो है जो यहाँ चलाया जाएगा, और उसके बाद हमारा ये डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होगा ऑन यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके बेटा तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा यहाँ एक क्लैरिफिकेशन ऐड किया है और वो 20 जून 2019 को आया, और ये क्लैरिफिकेशन जो 20 जून 2019 को आया ये क्लैरिफिकेशन एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, तो इन एग्जाम के हिसाब से आपको अच्छे से पढ़ के जाना है ना। अब हम देखेंगे बेटा यहाँ पे ट्रांजिशन, आपका क्या है, उस पे लगने वाला इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी। तो सर्कुलर पढ़ने के पहले थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं, और थर्ड वैल्यूएशन में क्या होगा, वैल्यूएशन में क्या होगा, उसके बाद में एडिशनल इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट या लेट फी,
और पेनल्टी, हम बात कर रहे हैं एडिशनल इंटरेस्ट, और उसका वैल्यूएशन का इंपैक्ट क्या होगा, वैल्यू में क्या होगा। अब अगर आपका ट्रांजेक्शन, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपका ट्रांजेक्शन लोन एडवांसेस, लोन एडवांसेस या डिपॉजिट्स, लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स, तो इस पे लगने वाला जो इंटरेस्ट है, इस पे लगने वाला जो इंटरेस्ट है वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा, एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है, एंड नॉट टू बी एडेड, नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू, नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू। और सेकंड आपका जो इंटरेस्ट है वो है डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। और ये सेकेंड इंटरेस्ट जो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है, इस पे लगने वाला इंटरेस्ट लेट फी, पेनल्टी, ये सेक्शन 15(2)(d) में, सेक्शन 15(2)(d) में टू बी एडेड, टू बी एडेड इन वैल्यू, इन वैल्यू। और अगर उस पर एडिशनल इंटरेस्ट लगता है, एडिशनल इंटरेस्ट, अब हम बात करेंगे एडिशनल इंटरेस्ट की या लेट फी की। व्हाट इज दिस एडिशनल इंटरेस्ट और लेट फी, समझ लो। बहुत सी बार आपने बैंक से लोन लिया, पहला ट्रांजेक्शन लेता हूं, आपने बैंक से लोन लिया, और आपने जो बैंक से लोन लिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने जो बैंक से लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट, उस पर लगने वाला इंटरेस्ट तो नो डाउट जीएसटी नहीं आएगा, एग्जम्प्ट है, पर आपने ड्यू डेट में इंटरेस्ट भी नहीं पे किया और उसके इंस्टॉलमेंट भी नहीं की पे, तो फिर बैंक इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाएगी या इंटरेस्ट की लेट फी लगाएगी या पेनल्टी लगाएगी, जो भी है। तो आपने बेसिक इंटरेस्ट और उसके ऊपर बैंक जो है एडिशनल इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट, पेनल्टी, पेनल्टी या लेट फी लगा रही है। तो ये जो एडिशनल इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फी लगा रही है, हम स्पेशली अभी इंटरेस्ट की बात करेंगे कि बैंक से लोन लिया, आपने उसका, आप पे इंटरेस्ट लगा, आपने वो ड्यू डेट में पेमेंट नहीं किया और बैंक ने जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट या लेट फी लगा दी, तो क्लैरिफिकेशन आया, अगर आपका बेसिक इंटरेस्ट ही एग्जम्प्ट है तो उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट रहेगा, और नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू, कम ऑन, नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू, वैल्यू में वो एड नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से, अगर बेसिक इंटरेस्ट ही आपका, ध्यान से सुनिएगा, बेसिक इंटरेस्ट ही आपका एग्जम्प्ट है तो उस पर लगने वाला इंटरेस्ट, क्योंकि आपने विद इन टाइम पे नहीं किया, तो ऐसे केस में लोन एडवांसेस बैंक हो या कोई भी हो उसके ऊपर वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा और वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। पर अगर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का इंटरेस्ट लगाया होगा डेटर को या लेट फी या पेनल्टी लगाई होगी, तो बेसिक इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी ऐड होती है, तो इसके ऊपर का अगर इंटरेस्ट होगा, यानी इसका एडिशनल इंटरेस्ट होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका एडिशनल इंटरेस्ट होगा, तो फिर ये वैल्यू में ऐड होगा, टू बी एडेड, टू बी एडेड इन वैल्यू। टू बी एडेड इन वैल्यू का मतलब, अगर तुम्हारा बेसिक इंटरेस्ट या लेट फी पेनल्टी ऐड हो रहा है तो उस पर अगर आपने फिर से इंटरेस्ट लगाया होगा, लेट फी लगाई होगी या पेनल्टी लगाई होगी जो एडिशनल है, तो वो एडिशनल लेट फी पेनल्टी में वैल्यू में ऐड किया जाएगा। तो इस बेस पे मैं ये सर्कुलर पढ़ता हूं और ये सर्कुलर में दिए हुए एग्जांपल्स मैं यहां लेता हूं। देखो, व्हाट इज द इश्यू, वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन एडिशनल और पेनल इंटरेस्ट, अंडरलाइन द वर्ड स्पेसिफिकली, एडिशनल और पेनल इंटरेस्ट on overdue of loan, whether it would be exempt from GST or such penal interest would be treated as consideration for liquidated damages amounting to separate taxable supply.
दूसरा whether levy of additional or penal interest could be regarded as a consideration received for agreeing to an obligation to refrain from an act or to and tolerate an act or situations or to do an act. Facts of the case, legal provision उन्होंने दी है. मैं डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन लेता हूं और आप एक एक बात को समझ लो. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, केस वन. मैं यहां केस वन लेना चाहूंगा. लेट्स टेक एग्जाम्पल केस वन. समझ लो आपकी मोबाइल शॉप ही है, आपकी ये मोबाइल शॉप ही है और एक कस्टमर शॉप में आया मोबाइल खरीदने. एक कस्टमर शॉप में आया मोबाइल खरीदने. नाउ हमारे मोबाइल की प्राइस है, ध्यान से सुनना, हमारे मोबाइल की प्राइस है 40,000. चलो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं. पर ये बंदा इंस्टॉलमेंट में, ये बंदा जो है इंस्टॉलमेंट में यहां पे हमसे मोबाइल खरीदना चाहता है. अगर वो इंस्टॉलमेंट में मोबाइल खरीदना चाहता है, मतलब एक तरह से हम उसको फाइनेंस कर रहे हैं, एक तरह से हम उसको फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन अगर वो इंस्टॉलमेंट में मोबाइल खरीदेगा तो हमारी प्राइस रहेगी, मोबाइल की प्राइस रहेगी यहां पे इंस्टॉलमेंट के लिए 44,000. क्यों 44,000? क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी ले रहा है. वो जो पैसा देगा मोबाइल का वो इंस्टॉलमेंट में देगा, मतलब डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन. तो यहां वो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी ले रहा है और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी में वो यहां पे 4 इंस्टॉलमेंट ले रहा है फॉर ₹11,000. ऐसे 44,000 में, मतलब अगर आप डायरेक्ट मोबाइल खरीदते हो तो 40,000, अगर आप इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी लेते हो तो यहां पे 44,000. बंदे ने इंस्टॉलमेंट में खरीदा. अब इंस्टॉलमेंट दिया मतलब डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन हुआ, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन हुआ. हाँ या ना भाई? हाँ हाँ, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन हुआ. अब नाउ ये 44,000 में 40,000 जो है वो 40,000 आपकी एक्चुअल रियल प्राइस है, एक्चुअल रियल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है. और जो 4,000 है बेटा, ये 4,000 जो है आपका नाउ यहां पे इंटरेस्ट है. अब पहला सवाल, जो आपने 4,000 इंटरेस्ट लगाया क्या वो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के लिए लगाया? यस, आपने जो 4,000 इंटरेस्ट लगाया डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के लिए लगाया. क्यों? क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट देगा. तो ऐसे केस में ऑब्वियसली ये 4,000 वैल्यू में ऐड कर दिए जाएंगे, टू बी एडेड इन वैल्यू. तो आपका यहां पे टैक्सेबल वैल्यू जो लिया जाएगा वो टैक्सेबल वैल्यू यहां पे 44,000 लिया जाएगा. क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है वो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है. यहां तो कोई डाउट? तो इंटरेस्ट जो है वो, दो मिनट बेटा, इंटरेस्ट जो है वो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है. इज इट क्लियर? अब अगर आपका कस्टमर, आपका जो कस्टमर था, फेल टू पे इंस्टॉलमेंट, उसने इंस्टॉलमेंट आपको नहीं दी, अगर उसने इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो उसको एडिशनल इंटरेस्ट या फिर लेट फी लगाई गई, और लेट फी लगा गई एक्स्ट्रा एडिशनल, और वो लेट फी लगाई गई ₹500. नौ सवाल है, ये ₹500 का क्या होगा? क्या ये भी वैल्यू में ऐड किया जाएगा? यस, ये क्लैरिफिकेशन देता है. जैसे हमने ऊपर के टेबल में देखा, अगर आपका ओरिजिनल इंटरेस्ट डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का है तो उसका एडिशनल इंटरेस्ट या लेट फी ऐड किया जाएगा. तो ऐसे सिचुएशन में इसका जो एडिशनल इंटरेस्ट या लेट फी ₹500 लगाया गया, ये भी एडेड इन वैल्यू यहां पे, और इसके ऊपर GST लगाया जाएगा. डन बेटा, ये था रिगार्डिंग टू ₹500. पर मैं दूसरी केस स्टडी लेता हूं, यहां पे दूसरा केस स्टडी लेता हूं, केस टू. आपकी मोबाइल की शॉप है, ओके, आपका मोबाइल का शॉप है, मोबाइल का शॉप.
नाउ कस्टमर जो आपके पास आया, उसने आपको मोबाइल मांगा, आपने कहा भाई हमारी प्राइस तो 40,000 रुपए है, अवर प्राइस इज 40,000, पर उसने कहा कोई फाइनेंस, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो फाइनेंस, सप्लायर ने कहा कि हम तो फाइनेंस नहीं करते हैं, पर हां आप एक काम कर सकते हो, हमारे यहां बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस करती है, तो आप बजाज फाइनेंस का एप्लीकेशन दे सकते हो। ये बंदे ने बजाज फाइनेंस से पैसा उठाया, बजाज फाइनेंस ने उसको पूरा मोबाइल फाइनेंस किया, जिसमें प्राइस थी 40,000, उसको पैसा दिया, प्राइस थी 40,000, और उसको जो लोन दिया गया, नो डाउट अब ये लोन था, लोन 40,000 का, और उसके ऊपर लोन पे इंटरेस्ट लगाया गया, और वो इंटरेस्ट लगाया गया 4,000 प्लस प्रोसेसिंग फीस लगाई गई, और ये प्रोसेसिंग फीस 1,000 रुपए लगाई गई। तो सवाल क्या है, सवाल ये है कि क्या ये 4,000 रुपए जो बजाज फाइनेंस ने चार्ज किए, क्या सप्लायर के वैल्यू में ऐड हो गए क्या, सप्लायर के वैल्यू में ऐड हो गए क्या? नहीं। पहली बात तो सप्लायर का ये 4,000 से कोई कंसर्न नहीं है, सप्लायर अपना मोबाइल जो है, सप्लायर अपना मोबाइल जो है, सप्लायर यहां अपना मोबाइल 40,000 में बेच चुका है, इसलिए सप्लायर की जो टैक्सेबल वैल्यू होगी, सप्लायर की टैक्सेबल वैल्यू यहां पे 40,000 ही रहेगी, 40,000 ही रहेगी, और बजाज फाइनेंस ने लगाया हुआ इंटरेस्ट सप्लायर के वैल्यू में ऐड नहीं किया जाएगा। कुछ बात समझ में आई? चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आई होगी तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कैसे आगे बढ़ाते हैं? तो यहां ऐड नहीं होगा। दूसरी बात, चलो बजाज फाइनेंस ने जो इंटरेस्ट लगाया, क्या बजाज फाइनेंस के इसमें ऐड होगा? नहीं, बजाज फाइनेंस के इसमें भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जम्प्ट है, क्योंकि ये लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, ये इसलिए एग्जम्प्ट है। पर हां, प्रोसेसिंग फीस पे जीएसटी आएगा, पर इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं आएगा। नाउ कस्टमर ने बजाज फाइनेंस को जो लोन का इंटरेस्ट था, कमॉन, ये जो लोन का इंटरेस्ट था, तो कस्टमर ने वो ओवरड्यू कर दिया, और कस्टमर ने वो ओवरड्यू किया, इसलिए बजाज फाइनेंस ने, ध्यान से देखना, बजाज फाइनेंस ने ओवरड्यू के वजह से बजाज फाइनेंस ने उसको यहां पे एडिशनल इंटरेस्ट लगाई, तो और वो लेट फी 500 रुपए लगाई, तो क्या ये 500 रुपए जो बजाज फाइनेंस लगा रही है, अब सप्लायर तो पिक्चर में है ही नहीं, तो ये 500 रुपए जो बजाज के फाइनेंस लगा रही है, क्या ये वैल्यू में ऐड होगा क्या? ये भी वैल्यू में ऐड नहीं होगा, नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू, कमॉन, नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन कहता है कि अगर ओरिजिनल इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, कमॉन, ओरिजिनल इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, तो उसका एडिशनल इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट माना जाएगा, और उसका एडिशनल इंटरेस्ट या लेट फी जो है वो वैल्यू में कंसिडर नहीं किया जाएगा। चलो, ये बात तो है कि वो ऐड नहीं होगा। फिर एक और सवाल था, क्या सर इसको हम टॉलरेंस चार्जेस शेड्यूल 2 के हिसाब से, शेड्यूल 2 पैरा 5 में टॉलरेंस रिफ्रेनिंग, ये चार्जेस क्या बैंक के टॉलरेंस चार्जेस ना माने? क्योंकि बैंक ने तो टॉलरेट किया, उसने ओवरड्यू में ओवरड्यू कर दिया, पेमेंट नहीं किया, तो बैंक के ये टॉलरेंस चार्जेस क्या माने जाएंगे? तो फिर से ये क्लैरिफिकेशन आया कि बैंक के ये टॉलरेंस चार्जेस भी नहीं माने जाएंगे, ये एडिशनल इंटरेस्ट ही माना जाएगा, और ये एडिशनल इंटरेस्ट एग्जम्पशन में रहेगा, बैंक के टॉलरेंस चार्जेस भी नहीं माने जाएंगे। हाँ, प्रोसेसिंग फीस पे तो टैक्स आएगा, हम स्पेशली बात करें एडिशनल इंटरेस्ट और लेट फी। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। तो बेसिक फंडा बस यही है बेटा, कि आपका अगर ओरिजिनल इंटरेस्ट लोन एडवांसेस का होगा, तो उसका एडिशनल इंटरेस्ट भी वैल्यू में ऐड नहीं होगा, उसको एग्जम्पशन मिलेगा, और आपका अगर ओरिजिनल इंटरेस्ट, कमॉन, आपका ओरिजिनल इंटरेस्ट अगर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का होगा, तो फिर उसका लेट इंटरेस्ट भी ऐड किया जाएगा। नौ एग्जाम्पल आप पढ़ोगे तो देखो, एक्स सेल्स द मोबाइल फोन टू वाई, द कॉस्ट ऑफ विच इज 40,000, एक्स गिव वाई एन ऑप्शन टू पे इन इंस्टॉलमेंट, जो हमने केस वन देखा था, INR 11,000 इन ईच और नेक्स्ट 4 मंथ, इन केस इन डिले पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 500 रुपए का उसको एडिशनल डिले इंटरेस्ट लगेगा या लेट फी लगेगी।
In same cases, separate invoice may be done by X for the cost of product and service providing loan facility or interest 2.5% per month and additional interest. Even though उसने separate invoice किया होगा, come on, separate invoice, जो 4000 रुपए interest लगाया, उसका separate invoice भी बनाया होगा, यानी हमारे केस में, okay, यहाँ पे 44,000 का उसने जो है finance installment में दिया, और ये 4000 का separate invoice भी किया होगा, पर clarification आया कि अगर उसने separate invoice भी किया होगा, तो वो 4000 तो value में add हो गए ही होंगे, plus जो additional penal interest है 500 रुपए, वो भी add किए जाएंगे. तो 15(2)(d) के तहत penal interest is to be included in value of supply. Or penal interest would be taxable at would be included in value of mobile irrespective of the manner of invoice. ये बड़ा important है कि उसने manner of invoice कैसे भी किया हो, उसके original 4000 रुपए as well as उसके जो है यहाँ पे penal interest दोनों भी add किया जाएगा. Case number two में यहाँ पे अच्छा case number one की diagram आपको अगर निकालनी होगी तो नीचे space दिया है, आप diagram निकाल लो. ये केस नंबर वन की मैं दो मिनट रुकता हूं. चलो आपको वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा. दूसरा केस ये था कि एक्स सेल मोबाइल फोन टू वाई 40,000 फॉर परचेस ऑफ मोबाइल. वाई एज एन ऑप्शन टू अवेल लोन इंटरेस्ट 2.5% पर मंथ फ्रॉम एबीसी लिमिटेड. हमने बजाज फाइनेंस का एग्जांपल लिया था या एबीसी लिमिटेड से. द टर्म लोन अलाउ वाई पीरियड ऑफ 4 months टू रिपे द लोन एडिशनल ऑफ पेनल इंटरेस्ट चार्ज एट 1.25%. तो देखो पिनाल इंटरेस्ट चार्ज फॉर द ट्रांजेक्शन बिटवीन वाई एंड एबीसी. पहले तो ट्रांजेक्शन हमारे एग्जाम्पल में बजाज फाइनेंस और कस्टमर के बीच में होगा. विल बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट. द सेम वुड बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. ओके पिनाल इंटरेस्ट शैल ऑल्सो नॉट लायबल टू जीएसटी. द वैल्यू ऑफ सप्लायर मोबाइल एक्स टू वाई इज 40,000. नाउ सप्लायर और वाई हमारे कस्टमर की वैल्यू तो 40,000 ही रहेगी. Further, any service fees or other charges levied by ABC Limited, मतलब finance company, Bajaj Finance, in respect of transaction related to loan, and that does not qualify interest, then it would be not exempt. For example, processing charges. मतलब ये कि now interest exempt, penal interest exempt, लेकिन अगर Bajaj Finance company ने यहाँ पे कोई processing charges जो interest नहीं है तो क्या वो टैक्सेबल किए जाएंगे? वो टैक्सेबल होगे बेटा. ओके ओनली इंटरेस्ट होगा. तो सेकंड के नीचे यहां पे ये डायग्राम बना सकते हो. ये केस में आप जो है बजाज फाइनेंस के जगह एबीसी लिमिटेड भी लिख सकते हो और ये डायग्राम बना लो यहां पे. चलो फटाफट
चलिए, तो आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, चलो। तो इस तरह से हमने देखा, और सेकंड क्लैरिफिकेशन ये भी आ गया, सर्कुलर आल्सो क्लैरिफाइज दैट एडिशनल और पेनल इंटरेस्ट, एडिशनल और पेनल इंटरेस्ट कुड नॉट बी रिगार्डेड एज कंसिडरेशन रिसीव फॉर रिफ्रेनिंग और टॉलरेंस, है ना। ये जो 500 रुपए एक्स्ट्रा बजाज फाइनेंस लगा रही है, ये जो है वो ये रिफ्रेनिंग या टॉलरेंस के चार्जेस भी नहीं माने जाएंगे, मतलब इन सिंपल वर्ड इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, ये रिफ्रेनिंग ऑल्सो नॉट ट्रीटेड एज कंसिडरेशन फॉर टॉलरेंस एंड हेंस नॉट टैक्सेबल, यानी वो भी एग्जम तो रहेगा ही, यानी वो एग्जम तो रहेगा ही बेटा, और यहां पे नॉट ट्रीटेड एज टॉलरेंस चार्जेस, और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, डन। चलिए, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहां पे, ओके, ये क्लैरिफिकेशन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह हमारा ये चैप्टर खत्म होता है बेटा। ओके, आई होप आपने ओके अच्छे से रिवाइज किया होगा, ठीक है, चलो।